हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 KTS बैच का कैपेसिटर। अब देखो कैपेसिटर का नीट के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो बहुत से बच्चे कैपेसिटर को लेकर के मैं कमेंट देख भी रहा था, बहुत से बच्चे कैपेसिटर को देख करके परेशान थे, सर कैपेसिटर डिटेल से करा देना। पहले एनालिसिस सुन लो, कैपेसिटर का 2020 तक सिर्फ एक सवाल आया है, ठीक है ना, सिर्फ एक सवाल। आज के लेक्चर के बाद आप फूक मार के उड़ा दोगे, ठीक है ना। 21 के अंदर पता नहीं उनको क्या हुआ कि उन्होंने दो प्रॉब्लम डाल दी है, वो भी बहुत ही सिंपल, ठीक है ना, वो भी आप फूक मार के उड़ा दोगे। तो कैपेसिटर को लेकर के क्या डरना, या तो एक आएगा या मैक्सिमम दो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। तो मेन, चलो दो पकड़ करके भी अगर हम चलते हैं प्रॉब्लम, तो चार प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी से हो गए, दो प्रॉब्लम कैपेसिटर से हो गए, यानी छह प्रॉब्लम का सेट आपका तैयार हो गया। तो इंपॉर्टेंट है, छह प्रॉब्लम बहुत होते हैं, ठीक है ना, रैंक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है इससे, और ये छह सही हो गए तो 24 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही छोटी 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 स्टेप से हम 180 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी स्टेप्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करंट और कैपेसिटर का जो मैं टेस्ट मार्क कराऊंगा उसके अंदर से मैच द कॉलम, ठीक है ना, और जो प्रॉब्लम मार्क कराऊंगा उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना है अलॉन्ग विद प्रैक्टिस शीट, ठीक है ना। प्रैक्टिस शीट में भी मैंने मैच द कॉलम और स्टेटमेंट डाल रखे हैं, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी मैच द कॉलम और स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम्स में। अब जैसा मैंने बोला था, ये वीक आपका रिलैक्स्ड वीक रहेगा, करंट कैपेसिटर बड़ा यूनिट है, तो कल आपका फिर से ऑफ है, आपको सर बड़े ऑफ दे दिए, ठीक है ना, तो आराम से चलेंगे, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, बड़े यूनिट है, आप आराम से कल का ब्रेक लो। कल के ब्रेक में आप सबको जो भी, अगर आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया है या आपने लेवल 1 का जो टेस्ट दिया था 11th का, उसमें आपसे कोई मिस्टेक हुई थी, आपके नंबर कम रह गए थे, ठीक है ना, तो जो चीज़ आपकी वीकनेस है, जो चीज़ आपसे नहीं हुई है, उसको एक बार कल वापस से छुट्टी वाले दिन फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए मैंने आपको कल का ऑफ दिया है। परसों आपका रहेगा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर, ठीक है ना, कान खोल के सुन लेना, रे ऑप्टिक्स हम कवर करेंगे, बड़ा यूनिट है, फिर एक दिन का ऑफ दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रांग कर लेंगे, मतलब आपकी जो वीकनेसेस हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाएंगी, प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाएगी, बस यही चाहिए हमें इसके अंदर, और क्या चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपेसिटर को। कैपेसिटर में जो प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर वर्क एनर्जी का प्रॉब्लम आता है। लास्ट ईयर उसने क्या किया, एनर्जी डेंसिटी और पॉइंट पोटेंशियल के ऊपर सवाल दे दिया, वर्क एनर्जी का सवाल ही नहीं दिया, ठीक है ना। तो इस साल मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है कि वर्क एनर्जी का सवाल आएगा, 100% आप कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। तो पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पर आ जाते हैं। तो जैसे हमने एक कैपेसिटर को, अनचार्ज कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज देती है तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब आपने फट से इस चार्ज की वैल्यू निकाली, वर्क डन बाय बैटरी, ये वर्क एनर्जी के कंसेप्ट है। कभी भी निकालना है तो अपना तरीका वही होता है, क्यू इंटू वी, जहाँ क्यू होता है चार्ज ट्रांसफर्ड बाय बैटरी, वी हो जाता है बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय बैटरी की वैल्यू हमारे पास आ गई क्यू इंटू वी भी। अब इस वर्क डन का आधा पार्ट, ये सिर्फ तब होता है जब अनचार्ज कैपेसिटर हो, तो आधा पार्ट इस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है और आधा लॉस हो जाता है। तो अगर आता भी है तो इससे ऊपर तो वो बेचारा जाता ही नहीं नीट एग्जाम वाला। तो आप यही बात जो मैं बोल रहा हूँ, यही पत्थर की लकीर मान लो, अगर आ गया तो यही आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। तो बैटरी का वर्क डन आधा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, आधा हीट में लॉस होता है, गिवन कैपेसिटर अनचार्ज्ड हो, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये नहीं कि एवरग्रीन थ्योरम में कहीं भी लग जाएगी, अनचार्ज कैपेसिटर के केस में लगेगी, राइट। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं मेन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस साल, ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हो, मैंने इस पर इंपॉर्टेंट लिख दिया, ठीक है ना। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, मैंने सवाल इस पर अभी कराऊंगा ही प्रैक्टिस में आपको, ठीक है ना, और फिर ऐसे ही सेम सवाल प्रैक्टिस शीट और टेस्ट सीरीज के अंदर है, तो छोड़ना नहीं है भाई, एक एक चीज प्रैक्टिस कर लो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये छोटी छोटी सीढ़ी की स्टेप्स है, ठीक है ना। तो दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करना है। अब इसके दो वर्जन होते हैं, या तो सेम पोलैरिटी सेम तरफ कनेक्ट करनी है, या अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट करनी है। तो सेम पोलैरिटी सेम तरफ अगर हम कनेक्ट करें, ठीक है ना, ये पहले का सिचुएशन है, ये बाद का सिचुएशन है, तो चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर जाता है, किससे किस पे, जिसका हाई पोटेंशियल होगा वहां से किस पर, जिसका लो पोटेंशियल होगा उस पर, ठीक है ना। तो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, ठीक। अब क्या करते हैं, तब तक होता रहता है चार्ज का फ्लो जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर सेम हो गई, तो हमें सबसे पहले इस वी की वैल्यू को निकालना होता है, जो कि हम चार्ज कंजर्वेशन से निकालते हैं, कंसेप्चुअल ध्यान रखना।
तो हमने इनिशियल चार्ज लिया C1V1 प्लस C2V2 और फाइनल चार्ज C1 प्लस C2V के बराबर कर दिया। रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। देखने में ये रिजल्ट बिल्कुल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जैसा है। आपको ये कहाँ से घुस गया अचानक से, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जैसा है जिसमें दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है, टक्कर खाने के बाद चिपक गई और ये उनकी कॉमन वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। माइनस साइन तब आएगा जब हम पॉजिटिव प्लेट को निगेटिव से कनेक्ट करें, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन वाला सेम होगा। तो याद रखना बहुत आसान है। तो दो कैपेसिटर एक साथ जोड़े जाएं, पहला काम कॉमन पोटेंशियल निकाल लो। कॉमन पोटेंशियल निकलने के बाद अब इस प्रोसेस में हीट एनर्जी लॉस होगी। उसका फॉर्मूला भी आप देखो बिल्कुल वही सेम है एज इट इज हमारा परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन जैसा। हाफ सी वन सी टू वहाँ के आता था, हाफ M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी यही है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, या V1 प्लस V2 का। माइनस तब आएगा जब सेम पोलारिटी सेम तरफ, और प्लस तब आएगा जब अपोजिट पोलारिटी हमारी कनेक्टेड हो, ठीक है ना। फाइनल चार्जेस निकाल लें तो पोटेंशियल के बाद आप फाइनल चार्जेस निकाल सकते हो। इस पे मैंने सवाल रखे हैं, थ्योरी बोलने में बोर हो जाएंगे, सवाल आप मेरे को लगाते हुए देखोगे ऑटोमेटिकली आप परफेक्ट हो जाओगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ये भी नहीं आया लास्ट ईयर, ठीक है ना, बट ये बहुत ही सिंपल होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। हालांकि मैंने इसमें सवाल रखा है जो एक्सपेक्टेड है आ सकता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ये दो प्लेट का स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बस याद रखने हैं, तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अच्छी तरीके से देख लेना ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। बातें करते रहने से बढ़िया है कि आप कंसंट्रेशन अपनी बनाए रखो। तो 4πε0 R1 R2 R2 R1, ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है। अब इसके वेरिएशन, सिंगल प्लेट का कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कैपेसिटर है, तो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी 4πε0 R। अब अगर हमने अर्थिंग कर दी आउटर प्लेट की, तो ये बिल्कुल फर्स्ट वाले के जैसा हो जाएगा और कैपेसिटेंस हो जाएगी 4πε0 R1 R2 R2 R1। तो ध्यान रखना, अगर बाहर वाले की अर्थिंग कर देते हैं तो सिंपल वही टू प्लेट वाला कैपेसिटर रहता है, फॉर्मूला एज इट इज रहता है। बट अगर अंदर वाले की अर्थिंग कर देते हैं तो होता ये है, ये और बाहर वाला, ठीक है ना, मतलब टू प्लेट और आइसोलेटेड, ये दोनों के दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में आ जाते हैं। ये पॉइंट पोटेंशियल मेथड से निकलता है, बट आप डायरेक्ट याद रख लो। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हो जाती है इसकी प्लस बाहर वाले की। तो इसकी कैपेसिटेंस हो गई 4πε0 R1 R2 R2 R1, और बाहर वाले की हो गई आइसोलेटेड की 4πε0 R2। तो ये कुल मिला के वेरिएशन हैं जिन पे डायरेक्ट अगर आ जाता है तो सवाल आ जाए स्फेरिकल कैपेसिटर में, वरना चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, अब अभी जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कनेक्ट किया था, अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहा है, इस पे सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। इस पे आई थिंक 16 या 17 में आया हुआ है, मैंने रखा है, मैं अभी आगे आपको दिखा दूंगा। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास दो स्फेयर्स हैं, ठीक है ना, इन दोनों स्फेयर को हम आपस में कनेक्ट करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअली पूछा, बताओ चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, तो भाई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। आपने फट से इसका पोटेंशियल लिखा KQ/R, ठीक है ना, तो KQ/R जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब कई बार ये बोल देता है दोनों के चार्ज सेम है, बट इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका रेडियस कम है, अब बताओ चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा। फॉर्मूला है KQ/R, क्यू सेम है बट पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, तो जिसका रेडियस कम उसका पोटेंशियल ज़्यादा, ठीक है ना। हालांकि चार्ज सेम है बट फिर भी पोटेंशियल छोटे वाले रेडियस का ज़्यादा है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, कब तक, जब तक दोनों के चार्जेस सेम ना हो जाएं, ठीक है ना। अब आप कॉमन पोटेंशियल अपना वही फॉर्मूला लगा करके निकालोगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस इसमें सी की जगह 4πε0 आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा हमारा इस तरीके से, या तो Q1 प्लस Q2 लिख सकते हो, या R1V1 प्लस R2V2 बाय R1 प्लस R2। मैं यही बोलूंगा, आप ये ध्यान रखो क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल और बेस्ट है। हीट एनर्जी का लॉस वही सेम एज इट इज फॉर्मूला। तो अगर स्फेरिकल कंडेंसर्स को भी आपस में कनेक्ट करता है तो भी हमारे वही सेम जैसा हम लोगों ने कंसेप्ट बनाए थे एज इट इज रहेंगे। हाँ, बस इसमें कंसेप्चुअली ये पूछेगा कहाँ से कहाँ की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, तो आप जवाब दे सकते हो हाई टू लो पोटेंशियल। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया था पोटेंशियल वाले में, ठीक है ना, कि अगर बहुत सारी ड्रॉप मिल करके एक सिंगल ड्रॉप बनाती हैं, ठीक है ना, तो पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा के आरआर का रिलेशन निकालते हैं। ये सारी स्मॉल आर, ये सारी आर1 आर2 आरएन वाली जो है, इन सबके रेडियस बराबर है, स्मॉल आर ले लिया, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप बाय पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, इसका जो रेशियो आ जाता है वो आ जाता है N^2/3। कई बार कैपेसिटेंस का रेशियो भी पूछ लेते हैं, तो C big by C small, ठीक है ना। इसका जब आप रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा 4πε0 R, और छोटे वाले का हो जाएगा 4πε0 r, तो ये बन जाएगा N^1/3। कई बार क्या होता है, ये मैंने टेस्ट में दिया हुआ है, तो टेस्ट वाला आप डिस्क्लोज कर रहा हूँ,
इनकी पोटेंशियल एनर्जी के रेशियो पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो हाफ सी वी स्क्वायर से आप उसको लिख सकते हो, तो हाफ सी वी स्क्वायर से लिखोगे तो ये एन की पावर 1/3, ठीक है ना, इंटू वी स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा एन की पावर 4/3। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बिग बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल का जो रेशियो हमारे पास आ जाएगा एन की पावर 1/3, ये तो हो गया सी का रेशियो, वी स्क्वायर करेंगे तो आप आ जाएगा एन की पावर 4/3, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एन की पावर 5/3। तो ये तीन ऐसे वेरिएशंस हैं जो जनरली और फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने वैसे ही बता दिया, इस साल का प्रेडिक्शन है एनर्जी के ऊपर सवाल आपका रहना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम पर। तो प्रॉब्लम में आप फर्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये मैंने इसी कंसेप्ट रखा है जो अभी जस्ट आपको सिखाया है। तो ये प्रॉब्लम कह रहा है कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 10 μF, ठीक है ना। डायग्राम बना लेना, उससे कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका। तो एक कैपेसिटर है हमारे पास जिसकी कैपेसिटी है 10 μF, इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल हमें दे रखा है 500 वोल्ट। इट्स टर्मिनल आर देन कनेक्टेड टू दोज ऑफ एन अनचार्ज कंडेंसर। तो अब हम इसको अनचार्ज कंडेंसर, तो कई बार क्या होता है पोलैरिटी जो होती है दूसरे वाले की जीरो भी हो जाती है, तो बहुत ही बढ़िया है, फिर इसमें हम V2 का वैल्यू जीरो डाल देंगे, सिंपल और बेस्ट, ठीक है। तो हम इससे कनेक्ट करते हैं जिसकी कैपेसिटी हमें दे रखी है 40 μF। अब क्या करना है, द लॉस ऑफ एनर्जी इन कनेक्टिंग दैम टूगेदर इज, तो सिंपल सा डेल्टा यू का फॉर्मूला पूछा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फॉर्मूला लगाओ प्रैक्टिस करो। इसी तरीके का प्रॉब्लम अभी जब आप देखोगे ना 16 से लेकर के 21 तक के प्रॉब्लम, तो आपको आइडिया लग जाएगा यार बहुत ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है अगर हम टू द पॉइंट प्रैक्टिस कर लें, कैपेसिटर करके चले आएंगे। और अगर हम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल चक्करों में पड़े रहे, IIT एडवांस भी कर लेते हैं, तो जो आता है वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ऐसा बहुत से स्टूडेंट के साथ होता है जनरली कोटा में, हाई लेवल पढ़ने के चक्कर में जो लेवल होना चाहिए वही नहीं आता, V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो पुट कर देते हैं हाफ C1 C2, C1 C2 हो गया 400 डिवाइडेड बाय C1 + C2 आ गया हमारे पास 50, यहाँ रहेगा माइक्रोफराड का यूनिट, V1 - V2 का होल स्क्वायर, तो 25 × 10⁴, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 5 × 8 = 40, और यह आ गया हमारे पास 100 × 10⁴ × 10⁻⁶, तो बेसिकली ये बन गया 1 जूल। तो 1 जूल की एनर्जी जो होगी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, राइट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं, अब पढ़ो उसको। ये कह रहा है A and B are 2 कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 2 and 4 μF। तो हमें दो कैपेसिटर दे रखे हैं, एक की कैपेसिटी है 2 μF और दूसरे की कैपेसिटी हमें दे रखी है 4 μF। आगे देखें क्या कह रहा है, They are charged to a potential differences of 12 and 6 volt. तो इसका potential हो गया 12 volt और इसका जो potential हो गया ये हो गया 6 volt, ठीक है ना। ये high potential है, ये low potential है, charge यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा अगर हम इसको connect करेंगे। If they are now connected positive to positive, यानी like को like से ही जोड़ा हमने, ठीक है ना, ऐसे situation में यहाँ से यहाँ की तरफ charge का flow होगा। इस कैपेसिटर का नाम वो कह रहा है A, इस कैपेसिटर का नाम वो कह रहा है B, यानी A से B की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, इतने से दो में से चार में से दो ऑप्शन फिल्टर हो जाएंगे। पढ़ो, A से B, B से A, तो सीधे काट दो B से A वाला, ये हो ही नहीं सकता। तो या तो ये है या ये। अब देखो, सवाल करने से पहले ही हमें अब चार में से एक सेलेक्ट करना और दो में से एक सेलेक्ट करना, तो प्रोबेबिलिटी सही होने की ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो ऐसे करके थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके, थोड़ा सा कंसेप्ट लगा करके हम लड़ाई जीत सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि खाली हम रटते ही रहे और हम लड़ाई जीत जाएंगे, नहीं, ये सारा खेल प्रैक्टिस का खेल है। जिसकी प्रैक्टिस स्ट्रांग वो समझ लो लड़ाई जीतने के करीब है। अब बस आप पहुंचो इस पे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें बेसिकली निकालना है चार्ज ट्रांसफर्ड, कैसे निकालें, प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, अप्रोच बता रहा हूँ, फिर आपको फाइनल चार्ज निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। चार्ज ट्रांसफर निकालना है तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें चार्ज ट्रांसफर पता चलेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का। तो मैं कॉमन पोटेंशियल लिख रहा हूँ, और कॉमन पोटेंशियल सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेते हैं, C1V1 + C2V2 / C1 + C2। तो ये हो गया 24 + 24 डिवाइडेड बाय C1 + C2 हो गया 6। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास 8। तो 8 वोल्ट इज कॉमन पोटेंशियल। तो फाइनल चार्ज फर्स्ट वाले पर लिख लेते हैं, फॉर्मूला हो गया C1V, C1 is 2, V is 8, तो 16 माइक्रो कूलम का फाइनल चार्ज है। तो Q1 पर इनिशियल चार्ज कितना था, तो था C1V1 किया तो 24 माइक्रो कूलम। अब आप खुद देख लो, एनालिसिस भी कर लो यहाँ से, इनिशियली ज़्यादा था, फाइनली कम हो गया, तो इसका मतलब उससे चार्ज चला गया। तो कितना चार्ज चला गया, तो चार्ज ट्रांसफर की वैल्यू हो गई 8 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। और कहाँ से कहाँ गया, A से भी, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो राइट आंसर हमारे सामने आ गया
सेकंड वाला, अब तो गलत नहीं होगा, अब तो मैंने इतना इसके अंदर स्कैम करके आपको दे दिया कि आप चार में से दो ऑप्शन तो ऐसे ही छाट करके ले आओ, ठीक है ना, फिर उसको आगे सॉल्व कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है, देखने में बड़े लंबे चौड़े सवाल है, स्टूडेंट को बड़ा डर लगा, अरे इतना लंबा सवाल है, और जबकि सिर्फ दो से चार स्टेप में सवाल खत्म, ठीक है ना। तो कैपेसिटर से डरना नहीं है कि आप उससे डर गए, इतनी लंबी लेंथ हम कैसे करेंगे, वो बहुत आसान होता है कैपेसिटर। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, तो ये हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ वी, तो हमने इसे वी से चार्ज कर दिया। अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2C, ये रहा कैपेसिटर 2C की कैपेसिटेंस का, चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2V। द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर इन सच अ वे दैट पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। अब देखो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट करता हूं, एक बात कंसेप्चुअली यहां पर बता रहा हूं, तो ठीक है ना, वो ध्यान से सुनना। हमने इसका पॉजिटिव लिया है तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा, ठीक है ना, और इसका नेगेटिव लिया है तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस -V वोल्ट होगा। तो जब आप पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हो तो सेंटेंस का मतलब होता है एक है हाई पोटेंशियल पर और दूसरा है नेगेटिव पोटेंशियल पर। ये बात कहने के पीछे मेरा लॉजिक ये था, सपोज करो ये भी 2V दे रखा होता तो सेम पोटेंशियल पर नहीं होते, एक +2V पर होता, एक -2V पर होता और चार्ज डेफिनेटली फ्लो करता, ठीक है ना। बट अगर ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करते, दोनों 2V होते, तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होता, ये बात का ध्यान रखना है। अब कहां से कहां चार्ज फ्लो होगा वो तो साफ पता चल गया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर हमें निकालना क्या है, फाइनल एनर्जी ऑफ कन्फिग्रेशन अप्रोच क्या रहेगी, हम फाइनल पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है ना, फिर हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कन्फिग्रेशन की, तो एक एक के निकाल करके ½C1V² ½C2V² ऐड कर देंगे, दैट्स इट, खत्म काम। तो कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, फॉर्मूला C1V1 -C2V2, तो 4CV -CV / 3C, तो रिजल्ट आ गया मेरे पास V, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल। अब हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, तो ½C1V² क्योंकि फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, ½C2V² तो ½C1 + C2 आ गया हमारे पास 3C टाइम्स आ गया V² तो रिजल्ट आ गया 3C / 2V². अब आप राइट आंसर ढूंढ लो, तो राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला। आप देखो, प्रॉब्लम की लेंथ इतनी है और सॉल्यूशन इतना सा, तो इसलिए कैपेसिटर के प्रॉब्लम में लेंथ देख करके डरो मत, आप अप्रोच लगाओ, सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर का ये प्रॉब्लम मैंने लिया है, बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही काम का है। ये कह रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज आर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, ध्यान से सीखना, पर उनमें जो पैरेलल प्लेट्स हैं दे आर इन द शेप ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो जो पैरेलल प्लेट है वो कुछ भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, उसने चूज किया सर्कुलर होना, इनका रेडियस आर है, सेपरेशन डी है, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमारी होगी ε0 A/d, ए हो गया πr² डी का जा डी की जगह डी रहा। आगे एयर इज देयर एज अ डायलैक्ट्रिक, तो इनमें एयर भरी हुई है, ठीक है ना, तो अच्छी बात है, एयर भरी हुई है तो परमिटिविटी ε0 ही रहेगी। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इफ इट्स कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r', तो कहते हैं इसकी कैपेसिटेंस r' स्फीयर की कैपेसिटेंस के बराबर है तो d की वैल्यू बता दो। तो क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है, तो ये कैपेसिटेंस हमारे पास आ गई 4πε0 r', बस दोनों को इक्वेट करके d की वैल्यू ले लो, तो ε0 πr² / d 4πε0 r'। अब देखो आप, इसमें पाई से पाई गया, ε0 से ε0 गया, एंड द वैल्यू ऑफ d' इज r² / 4 r'। तो राइट आंसर इसमें हमारे पास आ गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट ये कह रहा है, ये अपना वही ड्रॉप वाला प्रॉब्लम आ गया, पोटेंशियल में भी कराया था, यहां पे भी करा रहा हूं, टेस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है ना, तो छोड़ना नहीं इसको भी। तो ये कह रहा है 64 स्फेरिकल ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस 2 cm कैरिंग 5 कूलम चार्ज कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप दैन इट्स कैपेसिटीज, तो हमें बड़ी ड्रॉप की कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो सी बिग बाय सी स्मॉल डायरेक्ट यूज कर लो, क्या डर है, ठीक है ना, n^(1/3) n हो गया नंबर ऑफ ड्रॉप, तो सी बिग की वैल्यू आ गई n हो गया 64^(1/3) टाइम्स 4πε0 r। अब आप देखो, क्या आपको स्फेरिकल ड्रॉप का रेडियस दे रखा है,
तो इसने रेडियस बिल्कुल दे रखा है, चार्ज भी दे रखा है, बट हमें चार्ज की कोई जरूरत नहीं है। यहां से हम क्या कर लेंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस थोड़ा ना चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, तो डायमेंशन पे डिपेंडेंट होती है, मीडियम पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना, वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंडेंट नहीं होती है, कंसेप्चुअल था। तो सी बिग का वैल्यू मेरे पास आ गया, ये हो गया 4 × 4π ε₀। अब 1/4π ε₀ 9×10⁻¹ होता है, तो ये हो जाएगा 1/9×10⁻¹ टाइम्स रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, वो हो गया 2×10⁻²। ठीक है, तो रिजल्ट मेरे पास आ गया, आप यहां से देखो ये 10⁻¹₁ बन गया, तो 8/9×10⁻¹₁ फेराड, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप। तो 8/9×10⁻¹₁ फेराड के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, यानी अब जो प्रॉब्लम का सेट आ रहा है वो पहले मैं बताऊं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्योंकि 21 में आ गया था, पॉइंट पोटेंशियल 21 में आ गया था, इसलिए मैंने इन प्रॉब्लम को रखा है ताकि आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। तो अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, और ये बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है यहाँ सी है, यहाँ 2 C लगे हुए हैं, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे करके इनफाइनाइट लैडर है, ठीक है ना। लैडर तो नहीं बोलूंगा, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का नेटवर्क है, हमें इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो सबसे पहले एक एक ब्रांच सिंप्लीफाई कर लो, ये सी हो गया, ये C/2, C/4, C/8, C/16, क्योंकि सारे पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट ऐड होकर के निकल जाएगा। तो इसका सी इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया C+C/2+C/4+C/8 ऑन। सी कॉमन हो गया, 1+1/2+1/2² + 1/2³ ऑन। अब ये इसको बोलते हैं GP, इनफाइनाइट GP, इसके सम का फॉर्मूला हो गया A/(1-R)। तो सी फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, हालांकि ये कई बार बताया हुआ है, तो अभी लास्ट मोमेंट पर आपको ये आने चाहिए। ए होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 1/(1-R), R होता है रेशियो, तो कोई भी बाद वाला टर्म बाय पहले वाला टर्म कर लो, रेशियो मिल गया हाफ, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 2C। अब 2 × C का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ, सी है 1 mF, तो आंसर आ गया हमारे पास 2 mF। तो 2 mF इसका आंसर हो गया, दैट मीन्स राइट ऑप्शन आपके पास आ गया बी वाला। तो ये प्रॉब्लम जो बहुत ही कॉमन है, हर जगह आपको दिखा होगा, ये भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब ये हमारे पॉइंट पोटेंशियल आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा था, यहाँ भी सेम मैनर में है कि जहाँ जहाँ वायर कनेक्टेड है वहाँ वहाँ का पोटेंशियल सेम रहेगा। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है ए और बी के बीच की। तो देखो ये ए है, ये ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, यहाँ पर एज इट इज बी रहेगा। अब हम बस नेटवर्क को रीअरेंज कर लेंगे। एक बात और, ये ऐसे जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी वायर आपस में कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड होती तो सब जगह के फिर पोटेंशियल सेम करने पड़ते हैं। फिलहाल अब हम इस नेटवर्क को अरेंज करते हैं, जरा गौर से देखना, ये वाली ब्रांच ए से बी के बीच में, ये भी ए से बी के बीच में, ये भी ए से बी के बीच में, ये भी, यानी यहाँ काम बहुत आसान हो गया। ये जो हर एक ब्रांच है ये ए से बी के बीच में है, यानी सारी की सारी ब्रांचेस पैरेलल में आ गई। तो मैं बना के तो दिखा रहा हूँ, बट एग्जाम में आप ये मत करना, मतलब ऐसे मत करना कि आप बैठे हो टाइम पास कर रहे हो, टाइम अपने पास है नहीं तो पास कहां से करें। तो यहां पर हमारे पास ये 4 की 4 ब्रांचेस आ गई, हर ब्रांच में सी का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो आपको ये कोई स्टेप बाय स्टेप प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसके मार्क नहीं मिलते, फटाफट से इसको खत्म कर लेना है। तो ये हो गया C/2, 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 तो सी इक्विवेलेंट आ गया 4 × C/2, यानी आंसर बन गया 2 × C। अब सी 2C के टर्म में आंसर ही देना है हमें, तो दैट मीन्स राइट आंसर हो गया बी वाला। नेक्स्ट देखो, प्लेट पोटेंशियल पर मैंने मैचिंग रखी है, तो इसको रखने के पीछे का लॉजिक ये, एक तो सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि आपको किसी भी हाल में मैच द कॉलम छोड़ के नहीं आना, ठीक है ना, क्योंकि इतना प्यारा होता है बेचारा, ठीक है, इतना क्यूट सा मैच द कॉलम है, ठीक है ना, क्यों छोड़ करके हम जरूर कर लेंगे उसको मैच द कॉलम को। और प्लेट पोटेंशियल भी इसके अंदर रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा मैच द कॉलम रख लेते हैं इसका। तो देखो अब हमें इसमें ऑप्शन फिल्टर करने हैं कि किसका कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखो यहाँ पर 3 में 1 ऑप्शन जी है, 4 में 1 ऑप्शन G होता तो मैं ए तो छूता ही नहीं, क्यों छू जब उसने खुद ही बता दिया, जैसा लास्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको नीट वाला दिखाया था सवाल, कि उसने दे दिए थे सारे के सारे ऑप्शन एक ही जैसे, तो मैं क्यों करूँ उसको, ठीक है ना, जब उसने खुद ही आंसर बता दिया। तो
तो अब ये तो तय है एक आंसर जी या एक आंसर आई होगा। अब सपोज करो एक आंसर आई मिल गया तो अपनी किस्मत बड़ी जोरदार चल रही है, ठीक है ना। मिलते ही सीधे टिक करा, चार नंबर लिए और बबल भर के आगे बढ़ गए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अब वो डिपेंड करता है कि एक आंसर जी है या एक आंसर आई है। अगर एक आंसर जी होगा तो एक कदम और आगे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखते हैं, सारी किस्मत का खेल है ये। अब यहां किस्मत काम आती है, ठीक है ना। तो देखो अब सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसको सिखाया हुआ है, वापस से सिखा रहा हूं। जितनी भी प्लेट्स हैं सबकी नंबरिंग कर दो, ठीक है। अब हर दो प्लेट मिलकर के कैपेसिटर बना रही है, तो एक ये कैपेसिटर हो गया, एक ये कैपेसिटर हो गया, एक ये कैपेसिटर हो गया, तो एक दो तीन, तो यहां तीन कैपेसिटर है। तो मैंने क्या सिखाया हुआ है कि जितने कैपेसिटर है सबको लाइन से लगा दो। तो तीन कैपेसिटर लाइन से लगा दिए, नंबरिंग वापस से कर लो, वन टू। अब ये जो टू वाली प्लेट है ऊपर भी शेयर्ड है नीचे भी शेयर्ड है, इसलिए टू थ्री थ्री फोर। ये ध्यान रखना जितनी प्लेट की नंबरिंग करी है उतने तक ही ये खत्म होगा। अगर मान लो ये पांच हो गया इसका मतलब आप गड़बड़ कर चुके हो, तो पूरा यहां एक्यूरेसी से आप सवाल कर सकते हैं। अब ए और बी, हाई और लो पोटेंशियल, जैसे ये ए है ये बी है जिनके बीच में हमें कैपेसिटी निकालनी है, अब इनकी नंबरिंग करते हैं। उससे पहले आप ये देखो प्लेट नंबर वन और थ्री वायर से कनेक्टेड है, तो वन और थ्री के बीच में वायर लगाई। टू और फोर वायर से कनेक्टेड है, टू और फोर के बीच में वायर लगाई, ठीक है ना। अब इन वायर का पोटेंशियल ए है, तो यहां मैंने ए लगा दिया, यहां मैंने बी लगा दिया। अब आप पॉइंट पोटेंशियल लगाओ, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, इधर ये बी हो जाएगा, इधर ये बी हो जाएगा। अब जरा चेक करो, ये कैपेसिटर हमारा ए से बी के बीच में, ये भी ए से बी के बीच में, ये भी ए से बी के बीच में, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, तीनों एक के बीच में आ गए, यानी तीनों सी पैरेलल में हो गए। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 3C के बराबर हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर G के बराबर हो गया। अब एक आंसर G आ गया, यानी किस्मत इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो ये तो तय है ये आंसर नहीं होगा। अब इन तीन में से कोई होगा, ठीक है ना। आगे कदम बढ़ाते हैं, B चेक करो, B का आंसर F है, B का आंसर H है, B का आंसर E है। इसका मतलब ये निकला कि अगर हम B सॉल्व कर लेते हैं हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है, समझ गए। तो हम खेल रहे हैं कंसेप्ट से, ठीक है ना, सवाल से खेल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास ऐसी स्ट्रेंथ है कि आप सवाल से खेल सकते हो, अपने हिसाब से सवाल को कर सकते हो, तो समझ लो आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, ठीक है ना। और जब आप सवाल के हिसाब से चलते हो, नहीं यार ये कह रहा है मैं तो डर रहा हूं, ऐसा ऐसा कर लेते हैं जैसा चुपचाप से कह रहा है, तो फिजिक्स थोड़ी कमजोर चलती है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे काम करने की जरूरत है कि सवाल आपसे डरे ना कि आप सवाल से डरो। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, बी पर आते हैं। बी वाले सर्किट के अंदर भी आप चेक करें, एक दो तीन चार, चार प्लेट्स है, तो मैं इसकी भी नंबरिंग कर दे रहा हूं, वन टू थ्री एंड फोर। और तीन कैपेसिटर मैंने वापस से, जैसा मैंने बोला जितने कैपेसिटर मिल रहे हैं सबको लाइन से लगाओ, वापस से नंबरिंग डाल दी, वन टू टू थ्री थ्री फोर। कहां कहां वायर कनेक्टेड है, वन और फोर पर वायर कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्ट कर दी, यहां पर वायर कनेक्टेड, कनेक्ट कर दी। एक का नाम ए डाल दिया, एक का नाम बी डाल दिया, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इधर ए आ गया, इधर ए आ गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया। जरा चेक करो, ये कैपेसिटर ए से बी के बीच में, ये बी से बी के बीच में, यानी दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। जब रेजिस्टेंस या कैपेसिटर के दाएं बाएं पोटेंशियल सेम हो जाए तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है ना, हटा दो उसको। ये ए से बी के बीच में कनेक्टेड है, तो कुल मिला के दो कैपेसिटर मिले जो ए से बी के बीच में कनेक्टेड हैं, यानी पैरेलल में हैं, आंसर आ गया 2C। तो बी का आंसर है 2 टाइम्स सी, यानी बी का आंसर होगा एफ। तो बी का आंसर एफ। अब बी का आंसर एफ किस में, चलो ढूंढे, इसमें नहीं है भाई, जाओ इसमें नहीं है, जाओ, ये आंसर हमारा राइट आंसर है। और आप देख लो मैच द कॉलम सॉल्व हो चुका है, मजे आए। तो इस तरीके से करके मैच द कॉलम पे हम ग्रिप लेते हैं, कमांड लेते हैं, और ये हमारे लिए स्ट्रेंथ बन जाते हैं। अब आई थिंक आगे आप कर ही लेंगे, सेम प्रोसीजर है, ठीक है ना, सेम प्रोसीजर मैं लगा ही देता हूँ, लगाने में क्या दिक्कत है। वन टू थ्री फोर, अगेन चार कैपेसिटर हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इनका पोटेंशियल सेम हो गया, वन और थ्री का अरेंज कर देते हैं, डरना क्या। तो सी में मैंने तीन कैपेसिटर वापस से लगाए, नंबरिंग वापस से कर दी, वन टू टू थ्री थ्री फोर। वायर कनेक्टेड है वन और थ्री के बीच में, तो मैंने वन से उठाया, थ्री पर वायर लगा दिया। हाई पोटेंशियल हो गया टू, लो पोटेंशियल हो गया फोर, यहाँ ए लगा दिया, यहाँ बी लगा दिया। अब यहाँ पर ना ए आ रहा है ना बी आ रहा है, तो कुछ नाम कर दिया इसका एक्स। अब चेक करते हैं, अरेंज करना पड़ेगा सर्किट, तो ए एक्स और बी। ये वाला कैपेसिटर ए से एक्स के बीच में, तो सी लगा दिया। ये वाला कैपेसिटर भी ए से एक्स के बीच में, तो एक और सी लगा दिया, ठीक है।
अब ये वाला कैपेसिटर एक्स से बी के बीच में, तो यहाँ सी लगा दिया। ये दोनों पैरेलल में हो गए, 2C, 2C और सी सीरीज में, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2C/3, मिला हुआ आंसर। तो 2C/3 के हिसाब से हमारा आंसर हो गया ई, चेक कर लो सी का आंसर ई है। अब इसी तरह आप डी को सॉल्व कर लो, तो डी का आंसर आपको 3C/2 मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्लेट पोटेंशियल भी आ गया, और मेरे ख्याल से मैच द कॉलम भी आ गया, और मज़े भी आ गए हम लोगों को सीखने में। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। इनफाइनाइट लैडर, ये मैंने वैसे आपको बहुत सिंपल सिखाई थी करंट में, है ना, बट यहाँ मैंने ये इसलिए रखी है क्योंकि कई सारे बच्चे क्या होते हैं, करंट में तो मैं ट्रिक बता देता हूँ और वो कैपेसिटर में लगती नहीं, तो वो हो जाते हैं परेशान, ठीक है ना। तो वो कहते हैं सर कैपेसिटर में क्या करें, हमें फिर से क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। जी नहीं, आपको नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, वो वाली ट्रिक नहीं लगती कि आप डायरेक्ट आंसर निकाल लो कि ये यहाँ पर आंसर 3C से कम होगा, ऐसा है क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में डायरेक्ट जुड़ते नहीं है ना, इसलिए आंसर हमारा डायरेक्ट नहीं आता। तो क्या करना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था आर इक्विवेलेंट का, आपको वो तो रेजिस्टेंस के लिए था, बिल्कुल था, ठीक है ना। एक बार लिखने दो मेरे को, 1+√4R2/R1+R3, ठीक है। करना क्या है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये फायदा होता है। तो जहां जहां R है वहां वहां 1/C कर दो, तो R1 की वैल्यू 1/C1 और C1 और कुछ नहीं, वो 1 हो गया, ठीक है ना। एज वेल एज R2 की वैल्यू भी यही है, एज वेल एज R3 की वैल्यू भी यही है, यानी कुछ नहीं करना, R1 R2 की जगह 1/C डालना, और 1/C और कुछ नहीं, 1 है, यानी इन सब की जगह 1 डाल दो। ये ध्यान रखना R इक्विवेलेंट नहीं, 1/C इक्विवेलेंट, बस यही गड़बड़ होती है कि वो सोचते हमने तो सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, नहीं जी आपने सी इक्विवेलेंट नहीं, 1/C इक्विवेलेंट निकाला। पुट करो 1 और 1 2/2 तो 1 ही हो गया, मैं लिखूं भी क्यों उसको। यहां आ गया 1+√1+4/2, दैट मीन्स 4/2 आ गया हमारे पास 2, और फाइनल आंसर आ गया 1+√3, बट सी इक्विवेलेंट नहीं आया, मैंने फिर बोला ये आया 1/C इक्विवेलेंट, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1/√3+1। अब ऐसा तो कोई नहीं मिल रहा, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 और -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ गया √3 -1/2। तो चेक कर लो, √3 -1/2 माइक्रोफराड, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। आई थिंक लैडर समझ आ गई होगी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पर। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा इस तरीके का, जिसमें की को क्लोज कर देता है और पूछता है कितना चार्ज फ्लो किया। इससे स्टूडेंट डरता है, ठीक है ना, उसको नहीं समझ आता ये कैसे करना, लगता है कोई बहुत हाई लेवल का सवाल है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपको ये पता करना हो ये की क्लोज करने के बाद कितना चार्ज फ्लो किया, तो इसे फ्लो चार्ज पता करने का एक ही तरीका होता है। सिंपल वे में समझाऊँ, आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है ना, और आप मार्केट गए। अब मैं आपसे पूछूँ आपने कितने खर्च किए, आपको सर हो तो हम कितने भी कर सकते हैं, तो उसे कैसे निकालोगे। आपके पास 100 रुपये थे, घर आकर के आपके पास 20 रुपये बचे, ठीक है ना। अब मैंने आपको इनिशियल अमाउंट दिया, फाइनल अमाउंट दिया, तो अब आपसे पूछा कितने खर्च किए, तो अब आप इजीली बता दोगे ना कि हाँ सर मैंने 80 रुपये खर्च किए, यही तो लॉजिक हुआ। तो वही लॉजिक इसके अंदर कि क्लोज करने से पहले का चार्ज निकाल लो, क्लोज करने के बाद का चार्ज निकाल लो, और फिर पता कर लो कितना चार्ज फ्लो किया, ये हुआ इसका सिंपल प्रोसीजर। तो इन सवालों में डरना नहीं है, बस थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना है, और सवाल तो आसान है, फिर तो आ ही जाएंगे। तो की क्लोज करने से पहले ये 3 पैरेलल में और 1 सीरीज में डायरेक्ट कर ले, तो ये हो गया 3C, ये हो गया सी, आंसर हो गया 3C/4। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू इनिशियल सर्किट में आ गई 3C/4। आप भी ऐसे ही करो, ये कौन कहता है कि बार बार डायग्राम बनाओ, बार बार सॉल्व करो, नहीं, प्रैक्टिस इसलिए तो करते हैं एग्जाम के हिसाब से हम खुद को परफेक्शन में ला सकें। वहाँ भी बैठ करके करके हम एक एक लाइन में सवाल करेंगे, इतनी जगह तो वो देता नहीं है। अब चार्ज की वैल्यू, इनिशियल चार्ज की वैल्यू 3CV/4 आ गई, राइट। अब फाइनल पर आते हैं। अब जैसे ही आपने ये की क्लोज करी, ये तीनों के तीनों शॉर्ट सर्किट हो गए ना, दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो गया, सी इक्विवेलेंट बचा बस सिर्फ और सिर्फ सी के बराबर। ये ध्यान से देखते रहना, जैसे मैं कर रहा हूं इसी तरीके से आप करेंगे तो आपको कम टाइम, कम जगह और ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर आप भर भर के फैल फैल के करेंगे तो फिर आप हो जाएंगे कंफ्यूज वहां पर, फिर आपके टाइम कंजम्पशन की जो लिमिट होगी वो 1 घंटे से ऊपर खिंच जाएगी, लोड बढ़ेगा बायो और केमिस्ट्री के ऊपर, आ जाओगे प्रेशर में, ठीक है ना। तो बेहतर है कि थोड़ा सा स्मार्टली काम करो और टाइम मैनेजमेंट के साथ करो। तो सी इक्विवेलेंट हो गया सी, और फाइनल चार्ज CV हो गया। तो इनिशियली 3CV/4 था, फाइनली हमारे पास आ गया CV, तो कितना फ्लो किया, तो फ्लो किया फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू हो गया CV/4।
सिंपल। तो राइट आंसर हमारे पास आ गया इसमें CV/4 यानी फर्स्ट वाला। आसान था ना, मुश्किल नहीं कहेंगे आप इसको। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हर ये पता कहाँ, ये IIT का था प्रॉब्लम, ठीक है ना। और आपको यूनिवर्सल में मिलेगा, DC फंडे में मिलेगा, हर एक मॉड्यूल में मिलेगा, हर जगह पर मिलेगा, मेरे क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। तो स्टूडेंट इससे भी डरता है, ठीक है ना। वो कहता है कैसे करेंगे भाई इसको, बड़े बड़े उसके दिमाग में बड़े सारे पता नहीं क्या ख्याल आते हैं। आप सुनो, कहता है कंसिडर सिचुएशन शोन इन द फिगर, एक कैपेसिटर चार्ज रहा, एक अनचार्ज रहा, ठीक है ना। ये कहता है हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, तो बताओ इधर कितना चार्ज आएगा, इधर कितना चार्ज आएगा। तो एक बात अच्छी, अब वो क्या करता है, पहले स्टूडेंट की कहानी समझाओ। ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू का चार्ज इधर चला गया, इधर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव, इस करके कुछ ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात, चार्ज ओपन सर्किट में कभी फ्लो नहीं करता। अब कह ओपन सर्किट सर, अरे ओपन सर्किट का भाई मतलब ये है ये कहीं से भी क्लोज्ड नहीं है, इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये ओपन है, ठीक है ना। तो चार्ज ओपन सर्किट में कभी भी फ्लो नहीं करता। अगर आप इसको ऐसे करते अब डेफिनेटली चार्ज फ्लो करता, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में तो कोई चार्ज यहां से यहां नहीं जाएगा, जितना इस पे था उतना इस पे बना रहेगा, और जितना इस पे था उतना इस पे भी बना रहेगा। सपोज करो इधर Q1 होता और इधर Q2 होता, वो कहता बताओ हमने स्विच क्लोज किया अब चार्जेस कितने हैं, तो जवाब Q1 Q2 ही होता, ठीक है, समझ आ गया। तो इस सिचुएशन में चार्ज अपेयरिंग ऑन द कैपेसिटर बी अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड इज स्टिल जीरो, यानी कोई चार्ज भी के ऊपर नहीं आएगा। तो कब आता, जब सर्किट क्लोज्ड होता, ठीक है ना। अब कई बच्चे इसमें अरे हाँ सर अब चार्ज आएगा, अब कैसे करेंगे, कई तो कर लेंगे, बुद्धि है कईयों के पास, पर कईयों के पास थोड़ा सा बुद्धि का मामला कम है, ठीक है ना। क्या किया जाए, मैटर कमजोर है पर फिजिक्स तो निकालनी है। तो यार ये दो कैपेसिटर हो गए, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा उल्टा घुमा करके यहाँ लगा लो, अपने आप अकल आ जाएगी और चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी, और दांतों की चमकाट भी दिखेगी आपकी, क्योंकि सवाल होने लग जाएगा ना, खुश हो गए। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, कितना चार्ज इस पे आएगा कैसे निकालोगे। फर्स्ट स्टेज में यही तो सिखाया कि कॉमन पोटेंशियल निकाला, C1V1+C2V2/C1+C2, और फिर फाइनल चार्ज निकाल दिया। अब समझ आ गया। तो कभी भी ओपन सर्किट में चार्ज नहीं आता, हमेशा चार्ज फ्लो करता है क्लोज सर्किट में, इस बात का खास ख्याल रखें। और अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये वही हो जाएगा चार्ज और अनचार्ज कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब डरना नहीं है, सवाल कर लेना है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये कह रहा है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, तो हर वैरायटी का मैंने आपको सवाल दे दिया। अब ये नहीं कह सकते, अब आप कोई भी बुक उठा करके झांक के देखोगे आपको हर वैरायटी का सवाल आता होगा। तो हमें कैपेसिटर दे रखा है, हाँ ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, बरसों बाद दिखाइए। तो इसको मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। हमें एक कैपेसिटर दे रखा है 1 μF का, कैन विदस्टैंड अ वोल्टेज ऑफ 6 kV। इसका मतलब अगर हम 6 kV से ज़्यादा का वोल्टेज कर देंगे तो इसके बीच का जो मीडियम है वो कंडक्टिंग हो जाएगा और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये इसका मतलब है। तो ये ज्यादा से ज्यादा इतना वोल्टेज झेल सकता है, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है ना। आगे दूसरा कैपेसिटर है जो कि 2 μF का है, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें दे रखा है 4 kV। तो कहते हैं सीरीज में लगाने पर बताओ मैक्सिमम कितना वोल्टेज लगाएं कि किसी का भी ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है ना। द कॉम्बिनेशन कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ, कैसे करेंगे, सीरीज में लगाएंगे। अब थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करेंगे, इसका वोल्टेज ये है, इसका वोल्टेज ये नहीं कि उठा के जोड़ के लिख दिया 10 kV होगा जी आंसर, होगा भी इसमें 10, हाँ दे भी रखा उसने, ठीक है ना, नहीं ऐसे नहीं होता। हम क्या करेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे कि ये सीरीज में लगाए जा रहे हैं, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है। अगर ये पैरेलल में लगाए जाते तो वोल्टेज सेम होता, मैं दोनों आंसर दे दूंगा, ठीक है ना, सीरीज का भी तो पैरेलल का भी। तो क्योंकि इनको सीरीज में लगाना है तो पहले आप पता करें सीरीज में ये कितना चार्ज विदस्टैंड कर सकता है C1V1 से। तो आंसर आ गया 6 μ और किलो बन गए मिली, ठीक है ना, 10^-6 और 10^3, तो मिली बन गया ना, तो मिली कूलम। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 mC का चार्ज झेल सकता है। इनकी बात करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 mC का चार्ज झेल सकता है,
अब आप दोनों को सीरीज में लगा रहे हैं, तो सीरीज में क्या सेम होता है? चार्ज। अब आप मेरे को बताओ, क्या आप सीरीज में 8 मिली कूलम का चार्ज रख सकते हो? अगर रख दिया तो ये तो बच जाएगा, पर ये बेचारा फूक जाएगा, ठीक है ना। तो हम सीरीज में उतना ही चार्ज रख सकते हैं जितना लोएस्ट पॉसिबल चार्ज एक कैपेसिटर के पास होता है, ताकि वो ना जाए, ठीक है ना। ज्यादा वाला तो बचा ही रहेगा, बट वो बेचारा जो कमजोर है ना, वो बचा हुआ रहना चाहिए। यानी कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन डोमिनेट करता है लो चार्ज वाला कैपेसिटर। तो अब हमें पता चल गया कि इन कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम चार्ज के नॉट बी 6 मिली कूलम से ज्यादा, सही है। अब हमें तो वोल्टेज निकालना है, तो आपको चार्ज पता चल गया ना, कैपेसिटी पता ही है 1 μF और 2 μF। अब आप वोल्टेज कैसे निकालेंगे? सी इक्वलेंट निकाल लो, क्यू इक्वल टू सी वी से वी आ जाएगा। तो हमने सी इक्वलेंट की वैल्यू लिखी, आंसर आ गई 2/3 μF। अब क्यू बराबर सी वी लगा दिया, तो वी का वैल्यू बन गया हमारा क्यू बाई सी, क्यू की वैल्यू है 6 मिली कूलम और इसकी जगह आ गया 2/3 μF। रिजल्ट आ गया हमारे पास 9 kV। तो 9 kV का मैक्सिमम वोल्टेज हम सीरीज में लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा लगा दिया तो ये बेचारा तराई तराई कर उठेगा, इसके अंदर की एयर का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है ना, और वो हमें होने नहीं देना। तो राइट आंसर इसका हमारे पास आ गया 9 kV। अब मैंने बोला था पैरेलल में, अब आप बुद्धि प्रयोग करें, इसको अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो कौन डोमिनेट करेगा? जिसका वोल्टेज कम है। तो इसका मतलब 4 kV से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते पैरेलल में। लगा दिया तो अब ये तराही कर उठेगा और हमें किसी को तराही करवानी नहीं है, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपको मजे मजे में ये सवाल समझ आ गया होगा, चलते हैं आगे। अच्छा जी, अब आता है अपना फेवरेट नेटवर्क, पर इस नेटवर्क से कोई सवाल नहीं आता, ठीक है ना। ये हमारा मेरा तो फेवरेट है, बट इससे आया नहीं है, ना आने का चांस है, बट फिर भी रिस्क क्यों लेना, कर लेते हैं। मिलिमैन थ्योरम। अब मिलिमैन थ्योरम और कॉमन पोटेंशियल, तो देखो मिलिमैन थ्योरम आपने वहाँ पर अभी कल के लेक्चर में ही सीखी थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, यहाँ भी वही है। सारी ब्रांचेस पैरेलल में, वहाँ हम करंट दौड़ाते हैं, यहाँ हमने चार्ज दौड़ा दिया, बस इतना सा अंतर है। तो आई इज रिप्लेस्ड बाय क्यू, जहाँ जहाँ आर था वहाँ वहाँ 1/c आ जाएगा, बस इतना सा अंतर है और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो आप कॉमन वोल्टेज निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा जैसे वहाँ था E/R, तो यहाँ हो जाएगा CV/C। तो सिग्मा ई सी बाय सिग्मा सी, इसको एक्सपैंड करें तो ये आ जाएगा E1C1 प्लस E2C2 प्लस E3C3, और कैलकुलेशन भी बेहद आसान, कोई मुश्किल नहीं है, बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। अब चार्ज निकालना है तो Q इक्वल टू CV वाला रिजल्ट ध्यान रखो, कल क्या था E-V/R था, 1/R की जगह C आ गया। तो अगर आपको Q1 निकालना है तो रिजल्ट आ गया E1-V × C1, Q2 निकालना है तो रिजल्ट आ गया E2-V × C2 एंड अप टू सो ऑन, सिंपल प्रोसीजर। अब यहाँ पर ये जंक्शन है, अब इस जंक्शन में ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल सबसे पहले निकाला जाता है, तो ये भी हमारा मिलिमैन थ्योरम वाला ही रिजल्ट है। तो C1V1 C2V2 C3V3 बाय C1 + C2 + C3 करके आपने वोल्टेज निकाला। अब मान लो आपसे पूछता है चार्ज कितना होगा, तो पहली बात तो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, मान लो यहाँ से आ गया और आपको Q1 निकालना है, तो इस Q1 का वैल्यू हो जाएगा V1-V common × C1, तो डेल्टा V × C कर लिया, लिख देता हूँ V1-V × C1। इसी तरह आप Q2 और इसी तरह आप Q3 निकाल सकते हो। तो ये हमारे मिलिमैन थ्योरम के कुछ सिंपल से रिजल्ट हो गए। अब इन पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे सामने ये प्रॉब्लम आता है, इसमें बहुत ही सिंपल है, आप देख के समझ गए होंगे। सिंगल लूप मल्टीपल बैटरी, बैटरी की पोलैरिटी चेक कर लेते हैं। जैसे ये बैटरी इधर साइड पर करंट या चार्ज देना चाहती है, चार्ज अब बोलेंगे, करंट तो हम रेजिस्टेंस होता तो बोलते हैं, ये इधर देना चाहती है, ठीक है ना। दोनों के दोनों आप चेक कर लो सेम पोलैरिटी में, तो इन दोनों के वोल्टेज आपस में ऐड हो जाएंगे, तो वी नेट का वैल्यू हमारे पास आ गया 25 kV, सही है। दोनों कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज क्योंकि सेम फ्लो कर रहा है, इसलिए दोनों कैपेसिटर सीरीज में आ जाएंगे। जैसे कल मैंने सिखाया था, वो दोनों रजिस्टर हमारे सीरीज में आ गए थे, तो सी इक्वलेंट का वैल्यू हो जाएगा C1 C2 / C1 + C2 21/10, यानी 2.1 μF। पता क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, चार्ज निकाल लेते हैं Q/C करके, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास हो गई, ठीक है ना, ये हो गई C × V, तो 25 × 2.1 μK/kg। मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि हमारा एम चार्ज निकालना नहीं है, हमारा एम है वोल्टेज निकालना, ठीक है ना। तो Q/C करेंगे तो चीज़ें कटेंगी, उसके बाद फाइनली अरेंज कर लेंगे। तो अब मेरे को निकालना है दोनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो V1 का वैल्यू हो गया Q/C1, Q इज 25 × 2.1 μF × kV / C1 3 μF। आप देख रहे हो,
तो ये फायदा हुआ, यहां से ये कैंसिल हो गया, अननेसेसरी कैलकुलेशन में उलझने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 7 21 तो ये 0.7 आ गया, आंसर आ गया 17.5 किलो, और माइक्रो माइक्रो तो कट गया ठीक है ना, किलो वोल्ट। तो 17.5 किलो वोल्ट हमारे 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज होगा। राइट आंसर तो पता ही चल गया हमें, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। V2 भी निकाल लेते हैं। अब V2 का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकालोगे, तो V2 का वैल्यू Q/C2 करके निकाल सकते हो, या अल्टरनेटिवली टोटल वोल्टेज 25 है, इन दोनों में ही डिवाइड होना है और तो कहीं जाना नहीं। एक पे 17.5 आ गया, दूसरे पे 25 में से माइनस करके लिख लो, ये भी तरीका आप यूज कर सकते हो, या आप Q/V2 भी कर सकते हो, जो समझ आए उससे कर लो, दोनों में ही ऐसा नहीं है कि एक में ज्यादा टाइम एक में बराबर सही है, ठीक है ना, जो क्लिक कर जाए एग्जाम में वो कर लो। तो Q/C2 मैं कर लेता हूं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को वही क्लिक करता है, 2.1 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 3 जा 21 और ये हो गया 7.5 किलोवोल्ट, सही है। तो सिंपल सा था, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी इसकी अप्रोच। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट है हमारा जंक्शन लॉ के ऊपर, ये मैंने अपनी तरफ से रखा है ताकि आपका इसमें अच्छा सा रिवाइज हो जाए। एक दफा फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब करेंगे कैसे, सबसे पहले हम इस पॉइंट का कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है ना, वही अपना मेलमेन थ्योरम वाला रिजल्ट यूज करके चेक करो। यहां 10 वोल्ट है, यहां -10 है, और यहां अर्थिंग कर रखी है, जहां अर्थिंग कर रखी होती है वहां का पोटेंशियल हो जाता है 0, ठीक है ना। तो अब हम लगा लेते हैं C1 V1 C2 V2, तो V कॉमन का फॉर्मूला हो गया σCV/σC, डायरेक्ट ही लगाते हैं। तो C1 V1 मेरे पास आ गया 200, C2 V2 मेरे पास आ गया -100, और C3 V3 मेरे पास हो गया 0 बाय C1 + C2 + C3, ये करेंगे तो आ गया 50। तो फाइनली VC का वैल्यू मेरे पास आ गया 100/50, यानी आंसर बन गया 2 वोल्ट। तो चेक करो इस कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट। अब आप सवाल को छुमंतर कर सकते हो बड़े इजीली। अब हमें पता करना है यहां पर कितना चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो चार्ज यहां से यहां की तरफ फ्लो करेगा, इसको मैंने Q1 ले लिया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, कितना सिंपल है। कैसे निकालेंगे, C ∗ ΔV करके। तो Q1 की वैल्यू मेरे पास आ गई C, which is 20 microfarad, ΔV हो गया 10 - 2, which is 8 volt। तो आंसर आ गया 160 microcoulomb। तो पहले वाले कैपेसिटर पर 160 microcoulomb है। मेरे ख्याल से अप्रोच बहुत इजी थी, समझ आ गई होगी। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां से क्यू लाते हैं, इधर डिवाइड करते हैं, फिर KVL लगाते हैं, क्यों जिंदगी खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। दो दो वेरिएबल में फिर फंस जाते हैं, फिर या तो कैलकुलेशन की मिस्टेक कर देते हैं या फिर उनसे सॉल्व ही नहीं होता। अननेसरी एक सिंपल प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करना कोई उनसे सीख ले, ठीक है ना, कि भाई किरचॉफ लॉ लगाएंगे हम इसके अंदर, तो जबरदस्ती के पंगे लेने का शौक होता है वही लगाते हैं किरचॉफ लॉ। अब हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना, तो हाई ये हो गया, लो ये हो गया, Q2 इधर से इधर हो गया। तो Q2 की वैल्यू फॉर्मूला वही है C ΔV, C हो गया 10 एंड ΔV का वैल्यू हो गया 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, दैट मींस 12, तो 120 microcoulomb। अब Q3 की बारी, तो ये हाई है ये लो है, यहां से यहां तक Q3 जाएगा। अब Q3 या तो C ΔV से लिख लो या किरचॉफ लॉ लगा लो। अब अभी तो बोले थे किरचॉफ लॉ, अरे फर्स्ट लॉ लगा लो, सुना तो करो पूरा, कि Q1 इधर से आ रहा है, इधर Q2 जा रहा है, इधर Q3 जा रहा है, तो Q3 की वैल्यू Q1 - Q2 होगी। इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा माइनस करने में जितना Q ΔV में लगेगा, तो जो समझ आए वो लगा लो, ठीक है ना, पर लगा जरूर लो, छोड़ के मत आओ। C हो गया हमारा कितना 20, ΔV हो गया 2, आंसर आ गया 40 microcoulomb। चेक कर लो 160 की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर है, हो गया ना, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग का प्रिंसिपल भी यहां पर तैयार। चलते हैं नेक्स्ट पर। इस सेक्शन को आप लिख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ये सेक्शन और एक वो इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक वाला जो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें बनते हैं गजब के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है ना, जिसमें स्टूडेंट अटकते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट इन दो बातों में क्लियर कर रखा है। सीन ये, हम एक कैपेसिटर के प्लेट के बीच के सेपरेशन को चेंज कराने जा रहे हैं, ठीक है, कंसेप्ट सीखना। तो इसके दो वर्जन होते हैं, आइदर कैपेसिटर फुल चार्ज किया गया, चार्जिंग बैटरी डिस्कनेक्ट करी गई, तब हमने प्लेट को मूव कराया। दूसरा, चार्जिंग बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड एंड सेपरेशन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो हमें 5-6 चीजों पर काम करना है। पहली चीज चार्ज, कैपेसिटी, पोटेंशियल, फील्ड फोर्स, ठीक है ना, और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, एक साथ सारी चीजें आ जाती है, इसलिए मैंने लिखा Q C V E F U। तो सब चीज इसके अंदर सीख लोगे। तो देखो, सबसे पहले कैपेसिटर को हमने चार्ज किया और चार्जिंग बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। ये रटना नहीं है, यहां बुद्धि का प्रयोग करना है, ठीक है ना, कृपया करके।
तो हमने चार्जिंग बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और प्लेट के सेपरेशन को हमने एक्स ले लिया। जैसे ही चार्जिंग बैटरी आप डिस्कनेक्ट कर देंगे, ना चार्ज आने का रास्ता होगा ना चार्ज जाने का रास्ता होगा, यानी इस सिचुएशन में जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाती है तो चार्ज बिकम्स कॉन्स्टेंट। तो पहली बात ही आ जाती है। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की, ठीक है ना। देखो, कैपेसिटेंस का ना चार्ज से लेना देना है ना पोटेंशियल से लेना देना है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये मैंने लगाया। अब ये साफ इंडिकेट कर रहा है सी इज इनवर्स ऑफ एक्स, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटी कम होगा एंड वाइस वर्सा। ग्राफ इनवर्स में है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो डिक्रीजिंग वाला रहेगा, बड़ा काम नहीं है, छोटा सा ही है। तो कुल मिला के चार्ज कॉन्स्टेंट रहा, कैपेसिटी डिक्रीज करी, पोटेंशियल डिफरेंस तो वो हम क्यू बाई सी से लिख लेंगे, कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस है। तो क्यू बाई सी लगाया तो पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम सेपरेशन बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, कम करेंगे तो पोटेंशियल कम होगा। रट नहीं सकते, पर कई लोगों के पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं, रट लेते हैं, ठीक है ना। फिर एग्जाम के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट करने पर वो रटा हुआ रिजल्ट उनके काम नहीं आता। तो बेहतर है बुद्धि का प्रयोग करें तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, सुपर पावर इस्तेमाल ना करें यहाँ पे। तो वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है ना। इसके हिसाब से हमें पता चल रहा है पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अब फील्ड के बारे में पूछा, तो फील्ड निकालने के दो तरीके हैं, या तो वी बाई डी इस्तेमाल कर लो या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो जैसे मैंने क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इस्तेमाल किया, अब क्यू कॉन्स्टेंट है तो फील्ड भी कॉन्स्टेंट होगी, चेंज नहीं करेगी। तो अगर हम बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, प्लेट सेपरेशन को चेंज कराते हैं तो फील्ड कॉन्स्टेंट रहती है, रटने की सुपर पावर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला कैपेसिटर की प्लेट के बीच का होता है क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए। इसमें भी पूछा जाता है, बहुत अच्छा सवाल होता है, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है इसलिए फोर्स कांस्टेंट रहेगा। तो हर लॉजिक के पीछे की साइन समझो, तब जाके आप इन लॉजिकल प्रॉब्लम को कर पाओगे। पोटेंशियल एनर्जी, इसके दो से तीन फॉर्मूले, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लगा लो, हाफ सी वी स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट है वो लगाओ, तो चार्ज कांस्टेंट है तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी लगाया, तो क्यू तो कांस्टेंट है बट सी तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने सी की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाली। तो पता चला यू इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी सेपरेशन बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कम करने पर कम होगी। तो यहाँ वर्क डन पूछता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो वर्क डन हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी टू, सिंपल वे, माइनस हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी वन। अब सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, ठीक है ना, तो पुट कर दो, तो हाफ क्यू स्क्वायर हो गया कॉमन, एप्सिलॉन नॉट ए नीचे रह गया, एक्स टू माइनस एक्स वन आ गया। अगेन सुपर पावर इस्तेमाल अपनी ना करें, अभी उसकी जरूरत नहीं है, बचा के रखें। अब हम आ जाते हैं बैटरी कनेक्टेड पर। अब जब बैटरी कनेक्टेड होगी तो वोल्टेज का सोर्स सामने, तो उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी चीजें वेरी करेंगी, वो हम सिचुएशन के हिसाब से निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, कैपेसिटी का तो कोई लेना देना नहीं, वो तो कहता भाई हम तो डिस्टेंस और एरिया पर डिपेंड कर रहे हैं। चार्ज निकालना है, सीवी लगाया, अब चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, यानी कि अब जब आप प्लेट्स को पास लाएंगे, डिस्टेंस कम करेंगे, तो चार्ज प्लेट पर कम होगा, कहां से कहां जाएगा, कैपेसिटर से बैटरी की तरफ। बढ़ाने पर, अच्छा मैं उल्टा बोल गया शायद, डिस्टेंस कम करने पर, हाँ उल्टा बोल गया, सही कर देता हूँ। तो डिस्टेंस कम करने पर, प्लेट के बीच का सेपरेशन कम करने पर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो बैटरी से कैपेसिटर चार्ज जाएगा, और प्लेट के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करने पर चार्ज की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी, तो चार्ज कैपेसिटर टू बैटरी आएगा। ये अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा टंग ट्विस्टर सा हो जाता है, ठीक है, सोच करके बोलना पड़ता है। तो अगर जस्ट इन केस मैंने उल्टा बोल दिया हो तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें लॉजिक लगा के। अब पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज के बाद हमारे पास आती है फील्ड। अगेन दो तरीके, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए या वी बाय डी। अब क्योंकि वी कांस्टेंट है तो मैंने वी बाय डी यूज कर लिया, तो फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गई, ग्राफ उसका वही डिक्रीजिंग वाला आ जाएगा, ठीक है ना। फोर्स, फोर्स का देखो एक ही फॉर्मूला रखा है, क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए, सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर लेंगे। अब जरा चेक करो, क्यू अब कांस्टेंट नहीं है, बैटरी कनेक्टेड में डिस्टेंस चेंज कराने पर क्यू कांस्टेंट नहीं है, वो क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगी, यानी कैपेसिटर की प्लेट के बीच की फोर्स होगी वो वैरी करेगी और वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो कांस्टेंट तभी रहेगी जब बैटरी डिस्कनेक्ट रखो, ठीक है। लास्ट पोटेंशियल एनर्जी, अब मैंने यूज किया हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि अब वी कांस्टेंट है तो सी की वैल्यू पुट करते ही पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, कहां से आ रही है, चार्ज ज्यादा आने से बैटरी वर्क कर रही है वहां से एनर्जी आ रही है, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर होता है, इन प्रोसीजर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। ये वर्क डन ध्यान रखना, ये वर्क डन मैंने तब कैलकुलेट किया है जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है, बस दिमाग इस्तेमाल करना है। अब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पर आते हैं, पढ़ो। ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू अ फिक्स्ड पोटेंशियल एंड द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। फट से डायग्राम बनाओ और
सुपर पावर नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो चार्ज हमारा कॉन्स्टेंट हो गया। अब करना क्या, इफ नाउ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट आर मूव्ड फर्दर अपार्ट, यानी हम इस डिस्टेंस को इंक्रीज करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमें पता करना है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर तो कॉन्स्टेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। दूसरी स्टेटमेंट, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, देखते हैं। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं कुछ भी रट के मत जाओ इसमें। तो V के लिए क्यू बाई सी इस्तेमाल करा, ठीक है ना, क्यू बाई सी, सी की वैल्यू डाल दी एप्सिलॉन नॉट ए बाय एक्स। अब एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, वी भी बढ़ेगा, सिंपल है आपके सामने। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी, और रटन द विद्या से क्या होगा, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। कहीं न्यूमेरिकल करने को आ गया तो फिर आप सोच रहे जाओगे कैसे करें, ये कंसेप्चुअल तो कर लोगे, रटे हुए होंगे, सुपर पावर होगी आपके पास, बट न्यूमेरिकल में फंस जाओगे, इसलिए दिमाग इस्तेमाल करो। तो ये राइट आंसर है। आगे, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस, देखते हैं इसको। तो एनर्जी स्टोर्ड, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि क्यू कॉन्स्टेंट है तो मैं लगाऊंगा क्यू स्क्वायर बाय सी। सी की वैल्यू मैंने डाल दी हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और ऊपर आ गया एक्स। अब एक्स बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस, इस बात का मतलब हो गया ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। फोर्थ, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, वो खुद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स बढ़ने पर कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो ऐसे करके आपको इनके कंसेप्चुअल प्रॉब्लम अटैम्प्ट करने, ये आपको खास ख्याल रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा, एक मैं भूल गया, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी अगर निकालनी है तो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आप फील्ड देखो, जो फील्ड के साथ होगा वही एनर्जी डेंसिटी के साथ होगा। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फील्ड कॉन्स्टेंट है, तो इस सिचुएशन में एनर्जी डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। यहाँ पर जो फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगी। नेक्स्ट, अब देखो न्यूमेरिकल आ गया, तो ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप रटो नहीं, कंसेप्ट सीखो। ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी दिस मच, तो हमें कैपेसिटेंस दे रखी है 100 म्यू एफ, इस चार्ज बाय बैटरी ऑफ 50 वोल्ट, तो हमने इसे 50 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। देखें कनेक्टेड रखनी है या हटा देनी है, द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो बैटरी कनेक्टेड ही रखनी है, रख लो, ठीक है। तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट हो जाएगा बैटरी अगर कनेक्टेड रखनी है, तो डिस्टेंस को फट से एक्स कर लो। आगे क्या बोल रहा है, इफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर सेपरेटेड सो दैट डिस्टेंस बिटवीन दैम इज हाफ्ड, यानी पहले का डिस्टेंस जो था अगर हम डी ले लें तो अब जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डी बाई टू हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ओके, आगे, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज हाफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, द एडिशनल एनर्जी गिवन बाय बैटरी टू द कैपेसिटर, तो बैटरी कितनी एडिशनल एनर्जी इसको दे रही है, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली पता करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, तो एडिशनल एनर्जी हमें तभी तो पता चलेगी। फिर एग्जाम्पल दो, क्या पहले आपके पास 20 रुपए थे, थोड़ी देर बाद आपके पास 100 रुपए आ गए, तो एडिशनल कितने रुपए आए, कैसे निकाला 100 माइनस 20। तो मेरे ख्याल से इन सिंपल एग्जाम्पल से क्लियर रहता है। अच्छा, सॉल्व करते हैं। तो हमें पता करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, हाफ सी वी स्क्वायर, सी का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हो गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू, ठीक है ना, इंटू वी स्क्वायर, ये हो गई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एडिशनल एनर्जी यू टू माइनस यू वन, तो एडिशनल एनर्जी का वैल्यू मेरे पास आ गया यू टू माइनस यू वन, ये माइनस ये किया तो आंसर बचा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी टाइम्स वी स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो पहले की कैपेसिटेंस थी, ऐसे चलते हैं सवालों में, ठीक है ना, पुट किया तो हाफ पहले की कैपेसिटेंस 100 म्यू एफ, और पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, तो 25 × 10^2, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा 12.5 × 10^-2 या 125 × 10^-3 जूल की ये एडिशनल एनर्जी बैटरी ने दी जब डिस्टेंस डी से डी बाई टू हो गया। समझ आ गया होगा, राइट आंसर आपके सामने है, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो एक और प्रॉब्लम है और वर्क डन के ऊपर बेस्ड है, अच्छा प्रॉब्लम पढ़ो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज क्यू, तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर चार्ज क्यू है, ठीक है, अच्छी बात है। एंड प्लेट एरिया ए सेपरेशन डी, प्लेट एरिया भी दे रखा है, सेपरेशन भी दे रखा है, बस वो कैपेसिटेंस नहीं बोलना चाहता, हम खुद लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इफ वन ऑफ द प्लेट इज पोल्ड, ठीक है ना, टू मेक द फाइनल सेपरेशन 2D, देन वर्क डन इन दिस प्रोसेसेस। तो अब इसमें हम क्या लें, बैटरी कनेक्टेड या बैटरी डिसकनेक्टेड, तो सारा कंसेप्ट लैंग्वेज में ही छुपा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज क्यू ऑन इट एंड प्लेट एरिया ए, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर चार्ज क्यू था, इसका मतलब अब
फर्दर चार्ज आने का कोई रास्ता नहीं है, कोई बैटरी के बारे में वो नहीं बोल रहा। तो जब नहीं बोल रहा तो हम लेते हुए चलेंगे आइसोलेटेड कैपेसिटर चार्ज कॉन्स्टेंट वाला। तो हमने सेपरेशन को बढ़ा करके 2D कर दिया, तो हमें पता करना है वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना। तो 400 कॉन्स्टेंट ही रहेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो वर्क डन हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो U1 का अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, सी हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। U2 का फॉर्मूला हो गया हमारा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, सी का फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2D, और वर्क डन की वैल्यू हो गई हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये माइनस ये स्पीड देख रहे हो आप। अब कई लोग बड़ी तेज स्पीड में कर रहे हैं, अरे भाई कंसेप्ट अच्छे हैं इसलिए कर रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा ना रट के आए और करना शुरू कर दिया, तो हमारे कंसेप्ट सही हैं। हमने इसलिए बोला कि सुपर पावर नहीं, रटने वाली विद्या नहीं, कंसेप्ट वाली विद्या इनमें लगानी पड़ती है, तब जाकर के ये स्पीड आती है। तो ऐसी स्पीड पर काम करेंगे तो लड़ाई जीतेंगे। तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए 2D माइनस डी, डी हो गया, पर ये चीज कैपेसिटी होगी। तो हाफ अब क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर रहेगा कैपेसिटेंस की जगह, यही रहेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो क्यू स्क्वायर डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए, तो राइट आंसर इज सी वाला। एक एक चीज मैंने बता दी कैसे कंसेप्चुअल और कैसे न्यूमेरिकल पर काम करना होता है। अब भी छोड़ करके आए तो लापरवाही कहलाएगी कि आपने सही से प्रैक्टिस नहीं करी लास्ट मोमेंट पे, जो मैं कहते कहते रह गया कि भाई इस टाइम पर आपको पूरी जी तोड़ मेहनत करनी है ताकि हम नीट के अंदर सिलेक्शन निकाल लें, ठीक है ना। रुके नहीं हमारा सिलेक्शन, बातें तो हम अगले साल भी कर लेंगे। नेक्स्ट, इंसर्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक। अब देखो कैपेसिटर की प्लेट के अंदर डायलैक्ट्रिक डालना, ये भी दो कहानियों पर डिपेंड होता है, चार्ज कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, ठीक है ना। तो जब भी ये डायलैक्ट्रिक के इंसर्शन के कंसेप्ट, इसमें भी कंसेप्चुअल और साथ में न्यूमेरिकल दोनों चीज़ें रहनी है, तो मैं दोनों ही आपको कराऊंगा, छोड़ने तो कुछ नहीं वाला। तो अगर हम डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, अब आप थोड़ा ज़्यादा आसानी से कर लेंगे। अच्छा, इस तरीके के प्रॉब्लम बहुत सारे आपकी टेस्ट के अंदर है, टेस्ट सीरीज के अंदर है, उनको मैंने मार्क करा दिया है, तो आप उनको ज़रूर कर लें। और अब ऐसा नहीं होगा आपको समझ नहीं आए क्योंकि कंसेप्ट तो सीख ही लिया है, ठीक है ना। फिर भी अगर रह गया वो डाउट तो उसका सोल्यूशन है, वो देख लेना, ठीक है ना, वीडियो सोल्यूशन से देख लेना, तो 100% ही आ जाएगा। अब हम कैपेसिटर की प्लेट के अंदर डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले केस में मान के चलते हैं कैपेसिटर बैटरी से चार्ज किया, चार्जिंग बैटरी डिसकनेक्टेड है, अब हम डायलैक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स चार्ज कॉन्स्टेंट। तो कहानी वहीं से शुरू हुई, अगेन सुपर पावर नहीं चाहिए, कंसेप्ट चाहिए। कैपेसिटेंस वो हो जाएगी के टाइम्स सी। के टाइम्स क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब परमिटिविटी चेंज कर जाएगी, मीडियम की आ जाएगी, वो हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट, तो के टाइम्स सी हो गई, ठीक है ना। अब वोल्टेज निकालना है तो क्यू बाई सी से निकाल लिया, यानी वोल्टेज की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के हो गई, यानी डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम होगा। फील्ड, फील्ड निकालने के दो रास्ते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए कर लिया या फिर वी बाई डी कर लिया। अब एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, बस इतना अंतर होगा, तो फील्ड हो गई ई बाई के। यानी कि अगर हम एक चार्ज कैपेसिटर में डायलैक्ट्रिक डालते हैं तो डायलैक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होती है वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाती है। ऐसा सिर्फ चार्ज कैपेसिटर में होता है जिसमें बैटरी कनेक्टेड ना हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी डिक्रीज कर जाएगी, यू बाई के हो जाएगी, अगर वर्क डन पूछेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से निकाल के दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब बैटरी कनेक्टेड है और हम डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कैपेसिटी तो बेचारी के टाइम सी ही होगी, चार्ज की वैल्यू तो सी वी करने पर चार्ज हो जाएगा के टाइम सी। यानी जब ये डायलैक्ट्रिक आएगा, कंसेप्चुअल है ध्यान से सुनना, तो जब ये डायलैक्ट्रिक आएगा कैपेसिटी बढ़ने से चार्ज बैटरी टू कैपेसिटर फ्लो करेगा, सही है। तो जब ये डायलैक्ट्रिक आएगा तो कैपेसिटर और ज्यादा चार्ज बैटरी से खींचेगा, यानी बैटरी टू कैपेसिटर चार्ज का फ्लो होगा। और जब ये डायलैक्ट्रिक इससे निकलेगा तो कैपेसिटी कम होगी और चार्ज कैपेसिटर टू बैटरी आएगा, ठीक है ना। तो डायलैक्ट्रिक के आने पर बैटरी टू कैपेसिटर चार्ज जाता है और जाने पर कैपेसिटर टू बैटरी चार्ज जाता है। कंफ्यूज मत होना, समझ लेना। फील्ड, अब यहां फील्ड देखेंगे आप तो ये फील्ड कांस्टेंट है, यानी बैटरी कनेक्टेड में डायलैक्ट्रिक घुसा तो फील्ड चेंज नहीं होगी, और बैटरी डिसकनेक्टेड में डायलैक्ट्रिक आया तो ई बाई के होगी। मान लो ये कंडक्टर होता तो उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, तो फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाती, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलना होता है। इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर का के 1 के बराबर होता है, बाकी जो इंसुलेटर बहुत तरीके के होते हैं, बाकियों का के से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो के 1 होगा तो फील्ड ई के बराबर हो जाएगी, ठीक है। कई लोग कहते हैं इंसुलेटर का जीरो, जीरो नहीं होता, ठीक है, जीरो नहीं होता, ये ध्यान रखना है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है तो हाफ सी वी स्क्वायर लगाया, यानी के टाइम्स यू हो गई। तो डायलैक्ट्रिक आने पर क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी।
वर्क डन पूछे या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूछे कैपेसिटर की, तो के माइनस वन टाइम्स ही हो जाएगी। वर्क डन पूछे कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया, ठीक है ना, तो तरीका होगा चार्ज ट्रांसफर्ड बाय बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये हो गए कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल के सेक्शन, अब हम इस पर काम करते हैं। तो पहले मैंने एक ये मेरी तरफ से प्रॉब्लम रखा है, ये आया था 2011 या 12 के आसपास ऐसा प्रॉब्लम जिसमें फील्ड का ग्राफ बनाना था। अब देखो क्वेश्चन देखने पर साफ पता चल रहा है आइसोलेटेड कैपेसिटर है, यानी इसको चार्ज दे करके बैटरी को नमस्ते कर दी गई, ठीक है ना। ये कहता है फील्ड का ग्राफ बनाओ। कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल तरीका, देखो यहां पर एयर है, जहां जहां फील्ड हमें लिखनी है, हमें पता है बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो फील्ड ई बाय के हो जाएगी, सही है, तो फील्ड की वैल्यू ई बाय के हो जाएगी। तो बस हमें के देखते जाना है और फील्ड लिखते जाना है। तो जैसे इस जगह पर एयर है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, तो एयर वाली जगह पर फील्ड हो जाएगी ई नॉट बाय के वन होता है, यानी एयर इंसुलेटर की तरह काम करती है, तो यहां पर हो गया ई नॉट। यहां का देखेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट बाय के, ठीक है, यहां का देखेंगे दोबारा से एयर है तो ई नॉट, यहां का हो जाएगा ई नॉट बाय टू के, कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट फील्ड, ठीक है ना। यहां फिर से हो जाएगा ई नॉट, यहां पर कंडक्टर है डायलैक्ट्रिक, अभी बताया मैंने इन्फाइनाइट होता है, तो फील्ड हो जाएगा जीरो, यहां दोबारा से हो जाएगा ई नॉट। अब आपको ग्राफ बनाना है, तो ये एक प्लेट पकड़ो और ये दूसरी प्लेट तक चलो, पहले फील्ड के रिजल्ट्स को अरेंज कर लो। यहां फील्ड जीरो है, तो जीरो फील्ड हमारी इस जगह पर हो गई, ये E इक्वल टू जीरो। अब E नॉट बाय के, E नॉट बाय टू के और E नॉट में सबसे छोटा ये हो गया, ठीक है ना, ऐसा मान के चल रहे हैं कि वैल्यू वन से बड़ी है, तो E नॉट बाय टू के ये हो गया E नॉट बाय के, और इधर हमने कर दिया E नॉट, ठीक है। तो ये हमने पूरी फील्ड की प्लॉटिंग कर ली इसके ऊपर, ये जब तक नहीं हो तब तक आपका ग्राफ सही नहीं होगा। अब ऐसे पार्टीशंस बना दें और इसके नीचे जैसी फील्ड है उसको वहां इंडिकेट कर दो, सिंपल टास्क। अब जैसे इतने रीजन में फील्ड ई नॉट है तो ई नॉट लगा दिया, इतने रीजन में ई नॉट बाय के है तो ई नॉट बाय के लगा दिया, इतने रीजन में ई नॉट है ई नॉट लगा दिया, ई नॉट बाय टू के है ई नॉट बाय टू के सामने लाइन कर दी, यहां ई नॉट है दोबारा से ई नॉट पर, यहां जीरो है तो जीरो पर, ठीक है ना, यहां पर ई नॉट है तो वापस से ई नॉट पर। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये फील्ड का ग्राफ अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना, ये बहुत पहले आया था बट ये हर बार मैं कराता हूं तो इस बार भी मैंने ये कराया है, छोड़ा नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्चुअल, ठीक है ना, इसी की मैं बात कर रहा था, यही स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दुखी करता है, हर जगह पर आपको मिलेगा, यूनिवर्सल ढूंढ लेना वहां पर भी मिल जाएगा, मॉड्यूल में भी ढूंढ लेना वहां पर मिल जाएगा, और टेस्ट में देख लेना वहां पे मिल जाएगा, और हर स्टूडेंट इसमें परेशान रहता है। देखो इंसुलेटर प्लेट इज पास्ट, ये मतलब नहीं है कि इक्वल टू वन ले लिया, इंसुलेटर माइका भी होता है डायल, और अपना वाटर भी एज अ इंसुलेटर ही काम करता है, ठीक है ना, तो इंसुलेटर बोल दिया तो के की वैल्यू वन से ज्यादा है, हम ऐसा लेते हुए चल रहे हैं, इस पास थ्रू तो हम इसका डायलैक्ट्रिक के लेते हुए चल रहे हैं, वन भी छोड़ो, देन करंट, तो हमें करंट के बारे में बताना है। तो भाई जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज पॉजिटिव लेते हुए चलते हैं हम, उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो ये डायलैक्ट्रिक अंदर आ रहा है, अंदर आने पर चार्ज बैटरी टू कैपेसिटर ऐसे जाएगा, सही है, तो ये चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होगा और इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, इनको ये तो पता होता है चार्ज बैटरी टू कैपेसिटर आ रहा है, ठीक है ना। अब ऑप्शन देखो, तो फर्स्ट फ्लो फ्रॉम बी टू ए देन फ्लो फ्रॉम ए टू बी, यानी ये हमें पहले और बाद का चार्ज बताना है एंटर और एग्जिट के वक्त, तो एंटर करते वक्त जो होगा एग्जिट करते वक्त जस्ट उसका उल्टा होगा, यानी जब हम यहाँ से एग्जिट कर रहे होंगे तो सी कम होगा, चार्ज कम होगा और वो चार्ज कैपेसिटर टू बैटरी जाएगा। तो पहले पहली पार्ट का आंसर ढूंढ लेते हैं। तो अब स्टूडेंट कन्फ्यूज कहाँ होता है, वो कहता है चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, ए से बी फ्लो कर रहा है, वो इसमें कन्फ्यूज होता है, भाई चार्ज वायर में फ्लो कर रहा है ये, ठीक है ना, ध्यान रखो हवा में उड़ के यहां से यहां नहीं जा रहा, तो जो भी चार्ज का आप आंसर करेंगे वो थ्रू द वायर करेंगे, करंट का आंसर करेंगे थ्रू द वायर करेंगे, तो ये है आंसर, ठीक है ना। तो चार्ज एंटर करने पर बी से ए की तरफ जा रहा है, ना कि ए से बी की तरफ जा रहा है, सही है, तो थ्रू वायर आंसर करना है। तो फर्स्ट फ्लोस फ्रॉम बी टू ए, देन जब ये एग्जिट लेगा तो ऐसे आएगा, यानी ए से बी, देन फ्लोस फ्रॉम ए टू बी, और चार्ज
हमेशा थ्रू वायर ही बताना होता है, करंट हमेशा थ्रू वायर ही बताना होता है। ये हवा वाला चार्ज या हवा वाला करंट वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। वो आगे चल करके जब आप पहुंचेंगे अपना ईएम वेव में वहां सीखेंगे, अभी उसकी कोई बात नहीं हो रही, ठीक है ना। तो फर्स्ट फ्लो फ्रॉम बी टू ए, देन फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। लो, पूरी की पूरी इन्विटेशन दे गया, इसको चार्ज किया, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज ई। तो एनर्जी की जो वैल्यू है इसके अंदर वो हमें ई दे रखी है, ठीक है। तो ई का वैल्यू मान लेते हैं चार्ज क्यू है, हाफ क्यू स्क्वायर, वैसे ही हो गया। ओके, आगे, इफ अ डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सिक्स इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, देन एनर्जी एंड कैपेसिटेंस बिकम। तो अब अगर आप डायलेक्ट्रिक डाल देंगे पूरा सिक्स वाला, ठीक है ना, तो नई कैपेसिटी C2 हो जाएगी 6C। तो पहले तो 6C किसमें, उसको फिल्टर करो, इसमें 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 नहीं है, यानी ये आंसर तो नहीं होगा, ठीक है, वो सबको पता है। अब एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो अब E2 का वैल्यू फॉर्मूला लगाया, हाफ क्यू स्क्वायर, वैसे ही क्यू कॉन्स्टेंट है, सी की जगह 6C आ गया, तो ये एनर्जी ई बाय सिक्स हो जाएगी, सही है। अब ई बाय सिक्स के हिसाब से आप राइट आंसर पकड़ लो, ई बाय सिक्स और 6C, यानी थर्ड ऑप्शन राइट है। तो आप इस तरीके से करके दिमाग लगा के प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हो, रट के ये प्रॉब्लम नहीं होते। नेक्स्ट, ये बेस्ट प्रॉब्लम है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं और हम बहुत आराम से इसको खत्म करेंगे, डरने की जरूरत नहीं। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, और सवाल ध्यान से पढ़ना है, आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, अ डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ वन ऑफ द कैपेसिटर सो एज टू फिल द गैप, द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड ही रखनी है। ओके, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी, ठीक है ना, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी, चार्ज ऑन ईच कंडेंसर इज क्यू नॉट। अब इसका मतलब क्या है कि इनिशियली डायलेक्ट्रिक आने से पहले का चार्ज क्यू नॉट था, तो अब जब हमने डायलेक्ट्रिक एंटर करा दिया तो बताओ चार्ज कितना होगा। इसमें खाली यही नहीं बताऊंगा मैं, इसमें चार्ज फ्लोन भी बताऊंगा, बैटरी का वर्कडन भी बता दूंगा मैं आपको, तो ये सारी चीज़ें भी पैकअप कर देंगे, हीट एनर्जी डेवलप भी बता दूंगा, और बताओ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जाता है, तो सब बता दूंगा। देखो, सवाल करने का तरीका, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल डायलेक्ट्रिक एंटर करने से पहले ये 2V आइडेंटिकल है, सी ले लिए, तरीका क्या रहेगा, दोनों सीरीज में तो 400 सेम ही रहना, तो हम क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, विच इज सी बाई टू, बैटरी का वोल्टेज वो हमें पता है 2 वोल्ट है, तो क्यू नॉट की वैल्यू आ गई सी बाई टू इंटू 2 वोल्ट, ठीक है ना। तो रिजल्ट आ गया CV, तो क्यू नॉट का वैल्यू आ गया CV के बराबर। अब जब तक सी नहीं पता होगा तब तक वोल्ट में, तब तक हम इसको कूलम में आंसर नहीं दे सकते, बट आर इन द एज इट इज। अब फाइनल, फाइनली क्या किया मैंने, इसके अंदर डायलेक्ट्रिक एंटर करा दिया, तो अब इधर की कैपेसिटेंस हो गई KC, ये रही सी। अब वापस से हम सी इक्विवेलेंट निकालेंगे दोनों सीरीज में, तो KC बाई K+1 हो गया। अब हम Q निकालेंगे, Q यानी फाइनल चार्ज निकालेंगे, तो KC 2V बाई K+1 हो गया, समझ रहे हैं आप। तो ये हमारे पास फाइनल चार्ज की वैल्यू आ गई, पहले इतना आंसर ढूंढ लेते हैं, तो सी इंटू वी क्यू नॉट के बराबर है, तो ये हो गया हमारा 2Q0K बाई K+1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल चार्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके सामने है, 2Q0 यहाँ है, यहाँ है, ये नहीं है, ये वाला आंसर है, ठीक है ना, LCM लेकर के सॉल्व कर लो। पर मैंने कहा इतने के अलावा मैं आपको और भी बताऊंगा, चार्ज ट्रांसफर्ड, तो चार्ज ट्रांसफर्ड हो गया Q2 - Q1, सही है। तो ये माइनस ये किया, तो इनिशियल चार्ज Q0 ले लेते हैं, फाइनल चार्ज ये हो गया, तो 2Q0K बाई K+1 माइनस Q0 इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा Q0 K-1 अपॉन K+1, सही है। वंस वी हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, अब एग्जामिनर आपसे वर्क डन बाय बैटरी पूछेगा। अब वर्क डन बाय बैटरी अगर आपको निकालना है तो चार्ज ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, तो हमने इसकी वैल्यू डाल दी, तो Q0 K-1 अपॉन K+1, ठीक है ना, टाइम्स 2 वोल्ट। और आगे बढ़े, अब अगर वो ये पूछे हीट एनर्जी बताओ कितनी डेवलप हुई, ये हीट एनर्जी कहाँ डेवलप होती है, जब भी चार्ज वायर से फ्लो करके जाता है वो हीट डेवलप होती होती है, ये कैसे निकलेगा, तो इसे निकालने के लिए ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। वर्क डन बाय बैटरी दो पार्ट में जा रहा है, हीट और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये लेंदी हो जाता है। वर्क डन बाय बैटरी तक तो मैंने दे दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप U2 - U1 करेंगे, ऑब्वियसली लंबा टास्क हो जाएगा, ठीक है ना, U2 - U1 करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो हीट आएगी, इतने तक नहीं जाएगा,
नहीं जाता, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बेचारा यहाँ तक चला गया, ये तो बिगड़ गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर आपका इस स्टेप तक चला जाता है, इसके ऊपर वो नहीं जाता। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलो आ गया, तो Q2 माइनस Q1 तक जाता है। और बहुत हद हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग करने का मन कर रहा है एग्जामिनर का, तो ये वर्क डन पूछ लेता है, ठीक है ना। और अगर हीट पूछ लिया तो भाई उसको छोड़ दो फर्स्ट राउंड में, उसके चक्कर में मत पड़ो, वरना आप टाइम 3 से 4 मिनट का लगा दोगे, इतने में हम दूसरे प्रॉब्लम कर लेंगे। और अगर ये सेक्शन वी में आ गया हीट पूछना, तो बिल्कुल ही छोड़ दो, 10 कर लो कोई और प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके स्ट्रैटेजी बनानी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन देम इज डी, इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ वी, देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। अब हमने बैटरी को रवाना कर दिया, ठीक है ना। तो ये रहा कैपेसिटर, सेपरेशन डी, एरिया ए, चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ वी। इसका मतलब अब ये क्यू की जो वैल्यू हो गई वो फिक्स हो गई, सी वी, एंड दिस इज कॉन्स्टेंट। आगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फिलिंग द कैपेसिटर कंप्लीटली विद द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। तो अब हम डायलेक्ट्रिक भर रहे हैं, हम यानी एजेंट, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर डायलेक्ट्रिक भर रहे हैं, वर्क डन बता दो। तो भरने से होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, तो वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर हो जाएगी। तो अब आपने डायलेक्ट्रिक भरा, सही है, कैपेसिटेंस होगी के सी, चार्ज वही का वही रहेगा, ठीक है ना। आपने यू टू का फॉर्मूला लिखा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई के सी। आपने यू वन का फॉर्मूला लिखा, हाफ Q स्क्वायर बाई सी। अब आपने वर्क डन की वैल्यू लिख दी, ये आ गई U2 माइनस U1, तो हाफ Q स्क्वायर बाई सी तो कॉमन हो गया, 1 बाई के माइनस 1 हो गया। यहाँ से हम नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं, तो नेगेटिव Q स्क्वायर बाई सी 1 माइनस 1 बाई के। ये साइन जानते हो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप डायलैक्ट्रिक को कैपेसिटर के पास लाए तो आपको उसको अंदर ले जाने के लिए वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद अंदर चला जाएगा। ये नेगेटिव वर्क डन इंडिकेट कर रहा है आपको उसको रोकना पड़ेगा कि भाई धीरे धीरे या, ठीक है ना, एक्सेलरेट करते हुए मत जा, ठीक है ना, या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा। ये थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट हो जाता है, ठीक। तो अगर एक डायलैक्ट्रिक को हम कैपेसिटर के ऊपर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये आई टी जेई मेन्स का है, अगर हम एक डायलैक्ट्रिक को जैसे पेन डायलैक्ट्रिक ले लो, कैपेसिटर के ऊपर लाएं, इस तरीके से लाएं और ऐसे छोड़ दें, ठीक है ना, कैपेसिटर गिवन, बैटरी से डिसकनेक्टेड हो, तो ये डायलैक्ट्रिक अपने आप अट्रैक्ट होता हुआ आएगा, हम हैं ही नहीं, एजेंट गायब है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी अंदर जाने पर, वो धीरे धीरे, देखते जाओ, धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, फिर पोटेंशियल काइनेटिक के अंदर, काइनेटिक पोटेंशियल के अंदर, डायलैक्ट्रिक का जीवन खराब हो जाएगा, वो बेचारा इसी तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा। थोड़ा सा एडवांस हो गया, ठीक है ना, पर मज़ेदार था, कान खोल के सुन लेना अगर फ्यूज उड़े हो तो। तो अगर हम डायलैक्ट्रिक को चार्ज कैपेसिटर के ऊपर ला करके रिलीज करें तो वो ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट इसमें बनते हैं। एसीवी में आप देखोगे जो आईटी के सवाल है, इसमें हम स्प्रिंग बांध देते हैं, पुली बांध देते हैं, पर इतना आपके में नहीं आता, तो वो बांध करके आपको परेशान नहीं करना मैंने, तो ये रिजल्ट हो गया, आंसर में ला लो। अब इसमें सी की वैल्यू डाल दो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, काम खत्म, ठीक है ना। यहाँ क्यू की जगह में सी वी डाल दो, क्योंकि क्यू तो दे ही नहीं रखा था, तो हाफ मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, क्यू की जगह मैंने सी वी डाला, तो ये सी वी स्क्वायर बन गया, 1 माइनस 1 बाई के। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी टाइम्स वी स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई के। तो आपका राइट आंसर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी वी स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई के हिसाब से। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये भी नहीं है, राइट आंसर है फोर्थ वाला। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, मजे आ गए होंगे क्योंकि टू द पॉइंट बहुत डेप्थ में घुस करके मैंने आपको इसका कंसेप्ट बता दिया, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डायलैक्ट्रिक, मल्टीपल डायलैक्ट्रिक का कंसेप्ट। अब कई बच्चे रटते हर जगह, सुपर पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं, पता नहीं कैसे। तो देखो, मल्टीपल डायलैक्ट्रिक में दो ग्रुपिंग होती है, एक है सीरीज वाली और एक है पैरेलल वाली, दोनों को ध्यान से समझना। अब जैसे वो कई बार ऐसा भी बोल देता, हमने एक डायलैक्ट्रिक डाला टी थिकनेस का, डी उसका सेपरेशन है, बाकी बचा हुआ कैपेसिटेंस, रटते हैं लोग उसके अंदर, ज़रूरत ही नहीं है। आप दो डायलैक्ट्रिक, तीन डायलैक्ट्रिक, 1000 डायलैक्ट्रिक डाल लो, ठीक है, या एक डायलैक्ट्रिक डाल लो बाकी एयर रखो, तो भी तरीका बड़ा सिंपल है। मेरा तरीका ये है, नहीं कोई काट पीट हम इसमें नहीं करेंगे, हम इसमें के इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब अगर हम इस तरीके से डायलैक्ट्रिक को स्टैक करते हैं तो ये डायलैक्ट्रिक सीरीज में होते हैं। आप इसका सबसे पहले के इक्विवेलेंट निकालने का ये तरीका देख लो, ठीक है ना। आप कहोगे सर वो काट लेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं रहेगा भाई, ठीक है ना, उसमें आप टाइम खराब कर दोगे। तो आपने देखा जैसे ही सीरीज में फट से लगा सिग्मा डी बाई के, इससे आपके पास के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है तो बस सिंपल फॉर्मूला के इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये बेस्ट तरीका है। सब ट्रायल टेस्ट करने के बाद मैं आपको रिफाइंड रिजल्ट दे रहा हूँ, ऐसे करो तो जल्दी होगा, ठीक है। अब मान लो पार्शियल डायलैक्ट्रिक भर दिया, यहाँ दिखाता हूँ,
ये रहा, कहता हमने पार्शियल डायलेक्ट्रिक डाल दिया टी थिकनेस का, ठीक है बाकी डिस्टेंस डी है। बहुत सिंपल तरीका, इसको किसी एक कोने पे चिपका दो, तो कोने पे चिपका दोगे तो ये हो गया टी थिकनेस का, यहां पर ये था डी, बाकी बचा डी माइनस टी। ध्यान देना, अब दो डायलेक्ट्रिक है, एक के वाला और एक एयर वाला, सही है। तो अब के इक्विवेलेंट निकाल लो, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई सिग्मा डी, सिग्मा डी जोड़ने पर तो टोटल डिस्टेंस ही आ जाएगा बाय डी बाय के, ठीक है ना, डी बाय के करेंगे तो ये आ जाएगा टी बाय के प्लस डी माइनस टी बाय वन। तो अब आपके पास के इक्विवेलेंट आ गया, अब साल नॉट ए बाय डी कर दिया तो सी आ गया, ये तरीका यूज करो, ठीक है ना। अब इसी तरीके से ये प्लेट जब डिवाइड होती है तो डायलेक्ट्रिक पैरेलल में होते हैं, पैरेलल में के इक्विवेलेंट निकालने का तरीका सिग्मा के ए बाय सिग्मा ए होता है, ठीक है ना। तो इन दो मेथड से हम लोग सवालों को कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में मल्टीपल डायलेक्ट्रिक हो, सीरीज भी हो, पैरेलल भी हो, तो वो एक बार नीट में आ गया था, वो गलत कर दिया था उन्होंने, मैं कई बार बता चुका हूँ वो गलत है, ठीक है ना, प्रॉब्लम बोनस मिला था उसके अंदर सबको, तो वो गलत था। तो अगर आप उस रिजल्ट को देख करके रट करके बैठे हो हाँ यही होगा, ठीक है ना, तो गलत किया आपने, ठीक है ना, क्योंकि वो रिजल्ट ही गलत था, बोनस मिला था भाई उसमें सबको। तो मल्टीपल डायलेक्ट्रिक मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये रहा, दिखाऊंगा आपको, फिलहाल पहले इसको देखो। तो ये कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद एयर मीडियम इज इतना, ठीक है ना। तो ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर है यानी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी का वैल्यू आपको 60 μF दे रहा है, तो और अच्छा कर रहा है, ये पूरा वैल्यू 60 से रिप्लेस कर देंगे जब जरूरत पड़ेगी। हैविंग डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डी, प्लेट सेपरेशन डी है। इफ स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद टू स्लैब ऑफ थिकनेस डी बाय टू एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 4 and 8, तो आधे में 4 भरा, बाकी आधे में 8 भर दिया, ठीक है ना, ये भी आधे में, ये भी आधे में। कहता है इफेक्टिव कैपेसिटेंस बता दो, तो हम तो पहले के इक्विवेलेंट निकालेंगे, फॉर्मूला सिग्मा डी बाय सिग्मा डी बाय के, ठीक है ना। सिग्मा डी का वैल्यू डी के ही बराबर हो गया, डी बाय के करें तो ये आ जाएगा डी बाय 8 प्लस डी बाय 16, सही है, डी बाय 2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ यानी डी बाय 16 हो गया। सिंप्लीफाई करें इधर एलसीएम 16 हो गया, ऊपर आ गया 16D और नीचे हो गया 2 + 1 = 3D, तो D से D कटा, आंसर बना 16/3। तो 16/3 इज द वैल्यू ऑफ के इक्विवेलेंट। अब आपको निकालना नया सी इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी या फिर के इक्विवेलेंट टाइम सी एयर। तो के इक्विवेलेंट हो गया 16/3 एंड सी एयर उसने हमें दे रखा है 60, तो रिजल्ट आ गया 320 μF। तो जब इस तरीके से आप करोगे, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। अगर कंसेप्ट अच्छे हैं, प्रैक्टिस नहीं करी तो स्पीड स्लो हो जाएगी। कंसेप्ट ही खराब है, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए देख देख करके, तो सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी। तो मैंने आपको सारा ज्ञान दे दिया कि भाई किस सिचुएशन में आप कैसे गलती करते हो, उसको रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देख देख करके लगाते हो, ठीक है ना, आपने सॉल्व एग्जांपल्स देखे उसके बाद आपने जाकर के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करे, आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे। इसलिए प्रॉब्लम करने का तरीका ये है, कंसेप्ट अच्छे से सीखो, उस पर प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करो, फिर अनसॉल्व प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो, तो इससे क्या होता है, दिमाग चलना शुरू हो जाता है, सिली मिस्टेक भी नहीं होती है और हमें अप्लाइड रिजल्ट्स भी आ जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी में रहते हैं। ऐसे फिजिक्स स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट, अब देखो ये है स्टैकिंग कर दी गई बहुत सारे डायलेक्ट्रिक की, कैसे सॉल्व करें। तो कई लोग इसके अंदर टेलर बन जाते हैं कि भाई ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, कैसे भी काट देते हैं, घर की खेती है, कैंची लेकर के काटना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। तो हमेशा कटिंग का एक उसूल होता है, ठीक है ना, इसका भी अपना एक उसूल है। वो उसूल ये है कि कटिंग करने से पोटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है। तो कई लोग वो बुक के अंदर सॉल्यूशन देख लिया कि हाँ ऐसे काटा है तो जिंदगी भर ऐसे ही काटेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है ना। तो हमेशा कटिंग ऐसे होती है कि प्लेट का हमेशा कटिंग ऐसे होती है कि पोटेंशियल चेंज ना हो। अब पोटेंशियल कब चेंज नहीं होगा, जब प्लेट के परपेंडिकुलर काटोगे, तो हमेशा कटिंग प्लेट के परपेंडिकुलर होगी ऐसे, सही है। अब क्या होगा, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि प्लेट मेटल की होती है और मेटल इक्विपोटेंशियल होता है। तो आप उसे 2 पार्ट में काटो या 2000 पार्ट में काटो, पोटेंशियल सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ये लॉजिक होता है इसका। अब एक इधर गया, एक इधर गया, मैं इसको ऐसे अरेंज कर रहा हूं, ठीक है, आपको समझ अच्छा आ जाएगा ऐसे। और इनको हमने वायर से जोड़ दिया, ये है K2, ये है K3, इधर है K1, ये सेपरेशन हो गया D/2, ये भी D/2, प्लेट एरिया A/2, प्लेट एरिया A/2 और ये सेपरेशन डी। अब करेंगे क्या, ये दोनों तो साफ चमक रहे हैं,
खुद ही चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता रहे हैं भाई हम सीरीज में, तो सीरीज में मेरा वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब जो बच्चे इसे वो लिखते होंगे हम कैपेसिटेंस लिख लेंगे फिर हम सीरीज में, आप टाइम जोड़ लेना आपको कितना लग रहा है और मेरे तरीके से कितना लग रहा है, आपको हाफ का अंतर मिल जाएगा। आप अगर उस सवाल को 2 से 2.5 मिनट में कर रहे होगे, हम लोग 1.25 मिनट में उड़ा देंगे, बल्कि और जल्दी कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन फास्ट है। तो K23 इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, सिग्मा डी बाय सिग्मा डी बाय टी, सिग्मा डी हो गया डी, सिग्मा डी बाय के करेंगे तो ये आ जाएगा डी बाय टू के टू प्लस डी बाय टू के थ्री। ये भी मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख दूँ, पर कई बच्चे उछल जाएंगे कि इतनी जल्दी कर दिया, ये ऐसे ही कर दिया इन्होंने, उठा करके उड़ा दिया पूरा का पूरा। तो भाई देख लो उड़ाया नहीं है। तो रिजल्ट आ गया 2K2K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3, कितना सिंपल था। और वहीं यहाँ पे से कैपेसिटर बनाते, 1/C1 + 1/C2 करते, जिंदगी खराब हो जाती। अब ये पूरा सिस्टम इसके पैरेलल में, तो के इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, सिग्मा के ए बाय सिग्मा के, सिग्मा ए, ठीक है, सिग्मा के ए, तो ये हो गया K23, ये भी मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, ए बाय टू प्लस K1 ए बाय टू डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ए हो गया, ए कट लिया, ठीक है ना। तो K23/2 तो ये हो जाएगा K2K3/K2 प्लस K3 और इधर आ जाएगा K1/2, तो ये हो गया मेरे पास के इक्विवेलेंट। अब हमें क्या निकाल के देना, हमें निकाल करके देना है इसमें सी इक्विवेलेंट। तो कुछ नहीं, सी इक्विवेलेंट की जगह आप, मेरे पास जगह ही खत्म हो गई, तो के इक्विवेलेंट मैं ऐसे चुपचाप से लिख दे रहा हूँ, ए बाई डी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो रहेगा ही रहेगा, बाकी आप अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है यानी के इक्विवेलेंट वो वेरीफाई कर लो। के वन बाई टू, तो के वन बाई टू इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये दो दो कट गए, ठीक है। अब आगे K2K3/K2 प्लस K3 इसमें है, K1 प्लस ये नहीं है, तो राइट आंसर आपके सामने फर्स्ट वाला। अब गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे मल्टीपल डायलेक्ट्रिक हो चाहे ऐसे स्टैकिंग कर रखी हो। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट टॉपिक CR सर्किट पर, जो कि बेहद आसान है और आपके एग्जाम में भी बहुत आसान आता है और हर टेस्ट के अंदर आप इसको देख लेते हो। तो CR सर्किट पहले भी मैंने कई बार पढ़ाया हुआ, फिर से पढ़ाता हूँ। दो तरीके के होते हैं, बैटरी से कनेक्ट करने पर चार्जिंग वाला, बैटरी हटा दें और रेजिस्टेंस से कैपेसिटर को कनेक्ट करें तो डिस्चार्जिंग वाला। चार्जिंग वाले में चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग चार्ज की इक्वेशन होती है, Q0 1 - e^(-t/τ, टाउ बोलते हैं टाइम कॉन्स्टेंट को, जिसका फॉर्मूला हो जाता है CR। ग्राफ आप देखेंगे तो ये ग्राफ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, आफ्टर वन टाइम कॉन्स्टेंट यानी टी की वैल्यू टाउ डाले तो e^-1 बचेगी, जिसका वैल्यू 0.37 होता है, तो एक टाइम कांस्टेंट बाद चार्ज 63% तक इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। ये भी कंसेप्चुअली पूछ लेते हैं कई बार। अगर हम करंट निकालना चाहें तो हमें इसे डिफरेंशिएट करके करंट निकालना पड़ेगा, ये आ जाएगा I0 e^-t/τ, यानी चार्ज तो बढ़ता है बट करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। तो मैं इधर I versus t ग्राफ बना रहा हूं, तो वो ऐसा ग्राफ बनेगा, I0 से स्टार्ट होगा और डिक्रीज करेगा। इस ग्राफ का स्लोप, यहां पर ये स्लोप, ये हमें dQ/dt दे देगा, dQ/dt एट t=0, ठीक है ना। तो इस ग्राफ का स्लोप dQ/dt देगा यानी करंट देगा, t=0 पर निकला हुआ करंट I0 होगा, यानी इस ग्राफ के इनिशियल स्लोप की वैल्यू tan θ0 की वैल्यू I0 के बराबर होगी, ठीक है ना। और ये जहां पर जाकर के टच करेगा वो होगा मैक्सिमम चार्ज विच इज Q0, ठीक है। अब मैं आपको मैक्सिमम चार्ज और मैक्सिमम करंट का कंसेप्ट देता हूं। तो इनिशियली आप देखें करंट मैक्सिमम होता है और इनफाइनाइट टाइम पर आप देखें चार्ज मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। और इस ग्राफ के ऊपर क्या सवाल बनता है, जस्ट अभी बता रहा हूं। एक ये ग्राफ है जो कि सवाल नहीं बनता, ये सवाल बना के खुद ही पूछ लिया जाता है, log I versus t। अब ये जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इक्वेशन है ये यहां भी बनेगा, ये न्यूक्लियाई में भी बनेगा, ठीक है ना, हो सकता है आपकी केमिस्ट्री में भी बने। तो आप दोनों तरफ लॉग ले और log I versus t का ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक लीनियरली स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में डिक्रीजिंग ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो कभी भी ये पूछे कि CR सर्किट में log I versus t ग्राफ कैसा होगा, सीधे आंख बंद करके लीनियरली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। अब जो मैं बोल रहा था वो सुनो, तो एट t=∞ सर्किट सॉल्व करने का तरीका क्या है, t=0 पर करंट जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो t=0 पर कैपेसिटर को हम रिप्लेस करते हैं वायर से, बाय वायर। क्यों रिप्लेस करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज जो है वो जीरो है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर पर जीरो है, और पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो होता है तो ऐसा वायर के ऊपर होता है, ठीक है ना। इसलिए t=0 पर जब भी सर्किट सॉल्व करना हो रिप्लेस इट बाय वायर।
तो जैसे ही आप कैपेसिटर को वायर से रिप्लेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आप मैक्सिमम करंट निकाल लेंगे एंड मैक्सिमम करंट का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ई बाय आर, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पर। तो टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर आप देखेंगे करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी बट चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो इनफाइनाइट टाइम पर सर्किट सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप इनफाइनाइट टाइम पर जब भी सर्किट सॉल्व कर रहे हैं कैपेसिटर को फुल चार्ज करें, ठीक है, और रास्ता काट दें बिल्कुल इस तरीके से। रास्ता काटने का मतलब अब ये रेजिस्टेंस बर्बाद हो गया, यहां कोई भी करंट नहीं जाएगा। अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक टास्क होगा क्यू नॉट निकालना, जो आप केवीएल से निकाल सकते हैं या ये भी यूज कर सकते हैं कि ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है तो जितना इधर का पोटेंशियल होगा उतना इधर का होगा, तो क्यू नॉट बाय सी इक्वल्स टू ई, तो क्यू नॉट की वैल्यू हो गई सी, सही है। अब मैं ग्राफ में खेलना आपको सिखा रहा था, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये ध्यान से सीख लेना क्योंकि ये कहानी आपको बुक नहीं बताएगी। तो इनिशियल स्लोप अगर आपको दे रखा है थीटा नॉट और मैक्सिमम चार्ज आपको दे रखा है क्यू नॉट, तो इन दोनों को मिला करके आपसे टाइम कांस्टेंट पूछा जा सकता है। कैसे? तो टैन थीटा नॉट आई नॉट के बराबर है विच इज ई बाय आर, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज के बराबर है विच इज सी। अगर हम यहां पर इसको और इसको डिवाइड करें तो टैन थीटा नॉट बाय क्यू नॉट इज वन बाय सी आर, और सी आर और कुछ नहीं होता, टाउ होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। तो आप इसको और इसको डिवाइड मारें तो आपको 1/τ का वैल्यू मिल जाएगा और आप इजीली टाइम कांस्टेंट दे सकते हैं। ये इस ग्राफ से बनने वाले सवाल होते हैं पर वो एडवांस लेवल के होते हैं, इतने नहीं पूछता आपके मैं। अब अगर हम चार्ज कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करें, ठीक है ना, बैटरी हटा दें, तो क्या होता है, ये रेजिस्टेंस इसकी एनर्जी को उड़ाना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, रेजिस्टेंस का यही काम होता है। तो धीरे 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 कैपेसिटर पर चार्ज डिक्रीज करता है और इक्वेशन आ जाती है क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ये क्यू क्या है? कैपेसिटर पर टी टाइम बाद बचा हुआ चार्ज, बचा हुआ चार्ज। अगर वो बोले करंट बताओ तो करंट होता है चार्ज फ्लोन, तो अगर कोई पूछे चार्ज फ्लोन कितना हुआ भाई, ठीक है ना, तो क्यू नॉट पहले था, बचा क्यू, तो दिस इज चार्ज फ्लोन। इसे डिफरेंशिएट करने पर डी क्यू फ्लोन बाई डी टी करने पर हमारे पास करंट आएगा और करंट का वैल्यू वही आ जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ये इसके जादू होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे बताओ रेजिस्टेंस ने कितनी एनर्जी उड़ाई, तो भाई जितनी कैपेसिटर के पास जमा थी, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, तो ये सारी की सारी उड़ा देगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इस सवाल को कर सकते हो। अच्छा, अब प्रॉब्लम देखते हैं। बट मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आता है आपका वो वही आता है कि चार्ज बता दो या करंट बता दो, या एनर्जी के ऊपर बहुत कम आपके में प्रॉब्लम जनरली देखे गए हैं, वो आईआईटी के लिए बचा के रखे जाते हैं। जैसे ये सवाल, ये कह रहा है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट। अब कुछ नहीं बोला कब का चार्ज, तो जब कुछ नहीं बोले तो मान के चलते हैं इन्फाइनाइट टाइम का, यानी स्टेडी स्टेट भी उसको बोलते हैं उसका चार्ज। पहले सर्किट मॉडिफाई करेंगे, तो ये मैं करके दिखा रहा हूं, आप एग्जाम में जो सर्किट दे रखा है उसी में आप खत्म कर सकते हो। तो ये R है, ये E हो गया, ये R1 है, ये R2 है और ये C है। हम सर्किट को इनफाइनाइट टाइम पे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या टेक्निक मैंने दी? कैपेसिटर का पेट पूरा भरो और रास्ता काट दो, साथ वाला रेजिस्टेंस बर्बाद हो गया, इससे कोई करंट पास नहीं करेगा, इससे नहीं करेगा, पर इसका यह मतलब नहीं सर्किट में ही नहीं करेगा। तो चेक करो सर्किट में अभी भी रास्ता बाकी है, तो बैटरी से चला हुआ करंट उधर नहीं जाएगा पर इधर तो जाएगा, ऐसे। तो आप इस करंट का वैल्यू लिख लो, वो हो गया E अपॉन R1 प्लस R। अब हमारा टास्क था ये चार्ज लिखना, तो ये चार्ज KVL से आएगा या वो पैरेलल वाला वोल्टेज वाला कंसेप्ट यूज करके आएगा। अब चेक करो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में पैरेलल में, राइट, तो जितना इधर का वोल्टेज होगा उतना इधर का होगा, इसलिए हमारी मजबूरी है ये आई निकालना, नहीं तो हम वोल्टेज नहीं लिख पाएंगे। तो इधर का वोल्टेज हो गया क्यू नॉट बाई सी, रेजिस्टेंस का हो गया जीरो और इधर का वोल्टेज हो गया IR1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या आप क्लोज लूप में KVL लगा लो, चॉइस आपकी है, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कर लो। तो क्यू नॉट की वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू डाल दे रहा हूं, ER1C बाय R1 प्लस R, ठीक है। तो ER1C बाय R1 प्लस R के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो गया B वाला। चलते हैं आगे, मैं एक बार फिर से चेक कर लूं। हाँ, R20, ओके। अब ये फिर से एक सर्किट है, देखने में भयानक सा है पर करने में बड़ा आसान सर्किट है, मैं इसी में खत्म करूंगा। ये कह रहा है R1 R3 1 ओम है, तो यही लिख लो 1 ओम, दिस इज ऑल्सो 1 ओम।
आर टू इज 4 ओम, सी का वैल्यू 3μF, तो ये 3μF हो गया, ये भी 3μF हो गया, सारे ही सी एक जैसे हो गए 3μF। बैटरी का EMF हमें दे रखा है 5V, तो बैटरी 5V की है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये चिपकाओ साथ में, इसका वैल्यू 1 ओम। पूरा सर्किट ड्रॉ करना है, क्या पता करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, हमें चार्ज पता करना है, ठीक है ना, कौन से स्टेट पर, कुछ नहीं लिखा तो स्टेडी स्टेट हो गई। तो कैसे करेंगे, कैपेसिटर का प्लेट पेट पूरा भरा, दोनों सीरीज में तो चार्ज सेम रहेगा, यहां पर भी चार्ज सेम रहेगा, ठीक है, और रास्ता काट दो, ये भी रास्ता काट दो, ये बर्बाद हो गया एज वेल एज ये भी बर्बाद हो गया, ठीक है ना, कोई करंट नहीं पास करेगा। अब रास्ता देखो सर्किट में करंट है या नहीं है, तो सर्किट में अभी भी स्पेस है, यहां से होकर के यानी R2 टिक गया और उसने करंट फ्लो करा दिया। अब पहले आप ये करंट की वैल्यू निकालो, तो करंट की वैल्यू हमारे पास हो गई I इक्वल्स टू E अपॉन, जनरलाइज वे में लिख रहा हूं, R3 प्लस R, तो इस I की वैल्यू आ गई, E हो गया हमारा 5, R2 प्लस R, R2 की वैल्यू हो गई 4, R की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया हमारे पास 5/5 यानी 1 एम्पियर, तो हमें करंट मिल गया 1 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, चार्ज निकालना है, पैरेलल कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, तो इधर का वोल्टेज और इधर का वोल्टेज बराबर, इधर का हो गया Q/C, इसका हो गया 0, इसका भी हो गया Q/C, ठीक है ना, तो 2Q/C इक्वल्स टू IR2 लगा दिया, तो 2Q/C, C इज हाउ मच 3μF, और I का वैल्यू 1 हो गया, R2 का वैल्यू मैंने 4 डाल दिया, तो Q का वैल्यू मेरे पास आ गया 6 μC, तो हर कैपेसिटर पर 6 μC का चार्ज आएगा, तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो गया, कुछ भी नहीं है। तो CR सर्किट आ गया 100% हो जाएगा, ऐसा ही LR सर्किट है वो भी आ गया 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत आनी नहीं इन सर्किट्स के अंदर, देखने में डरावने हैं बाकी बहुत आसान है। पढ़ो, ये बैटरी कहीं है नहीं, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यहां पर चार्ज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, पढ़ते जाओ, इफ द कंडक्टर शोन इन द सर्किट हैज चार्ज, इस चार्ज टू 5V, यानी इसको 5V तक चार्ज किया गया, ठीक है ना, तो इसके चार्ज की वैल्यू हो गई, मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू CV यानी 5/10 कूलम, तो इस पे इतना चार्ज था, एंड लेफ्ट इन द सर्किट, अब इस सर्किट के अंदर छोड़ दिया गया, तो अब क्या होगा, ये चार्ज धीरे 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 जो होगा कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एनर्जी को लॉस करा रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो ये कह रहा है आफ्टर 12 सेकंड चार्ज ऑन द कंडेंसर विल नाउ बिकम, तो इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग वाली, तो अगर मेरे को चार्ज निकालना है तो मैंने यूज करा Q = Q0e−t/τ। अब Q0 की वैल्यू तो मैंने निकाल के दे दी, 10 कूलम हो गया, T हमें दे रखा है 12 सेकंड, टाउ हो गया टाइम कॉन्स्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है CR, तो अब आप C और R को मल्टीप्लाई करें, आपको टाइम कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, तो जो कि हो गया 12। अब टाइम कॉन्स्टेंट का यूनिट टाइम के बराबर होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो ओम इंटू फेराड वो सेकंड बन जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया 12 सेकंड। तो अब यहां से पता चला Q का वैल्यू हो गया Q0e−12/12, यानी Q0e−1, अब e−1 का वैल्यू 0.37 होता है। अब देखो किस टर्म में दे रखा है, अगर E के टर्म में दे रखा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो आप वैल्यू डाल दो, तो 10/E, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज लेफ्ट ऑन द कैपेसिटर आफ्टर 1 टाइम कॉन्स्टेंट। आ गया होगा समझ, तो राइट आंसर हो गया हमारा ए वाला। एक चीज और बता रहा हूं, अगर मान लो वो ये पूछे बताओ कितनी हीट एनर्जी डेवलप हुई, तो मूर्ख मत बनना कि आप पता चले यहां I²RT लगा पड़े हो, करंट वेरिएबल है, ठीक है ना, इंटीग्रेट करने में नानी याद आ जाएगी, तो आप ऐसे मत करो, जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी वो सारी इसने उड़ा दी होगी, तो वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हीट एनर्जी, ठीक है ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वही हीट एनर्जी के बराबर होगा, तो हीट एनर्जी हो गई UF − UI, तो U फाइनल हो गया ½Q2²C और U इनिशियल हो गया ½Q1²C, बस अब इसके अंदर Q2 Q1 के वैल्यू डाल दिए तो लॉस इन एनर्जी भी आ गई, तो मिल गया एक और कंसेप्ट। अब आपको चलते हैं प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम पर, अब देखो कितने सिंपल प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है, पढ़ो, ये तो साफ पता चल रहा है एनर्जी वाला ही है, जो फर्स्ट अपना कंसेप्ट था उस पे बेस्ड है। ये कह रहा है कैपेसिटर ऑफ 2μF इज चार्ज एज शोन इन द डायग्राम व्हेन स्विच S इज टर्न फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन, परसेंटेज ऑफ इस स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड। तो सिंपल है टास्क, बस ये टाइम पास कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ थ्रो करने का मतलब इसका पोटेंशियल V हो चुका है, तो अब मेरे पास एक 2μF का V वोल्ट वाला कैपेसिटर है जिसको हम एक अनचार्ज कैपेसिटर के ऊपर कनेक्ट करने जा रहे हैं।
हमें पता करना है कितनी इसकी एनर्जी का परसेंटेज लॉस होगा हीट के फॉर्म में। तो पहले डेल्टा यू लिख लो, हाफ सी वन सी टू, सी वन सी टू डायरेक्ट लिखेंगे 16 बाय 10 इंटू वी स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी लॉस, ठीक है ना। अब हमें निकालनी है परसेंटेज, तो इनिशियल निकालना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, तो इनिशियल एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, तो 2 इंटू वी स्क्वायर। यूनिट कन्वर्जन नहीं कर रहे क्योंकि रेशियो में वो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो डेल्टा यू बाई यू आई, ये हो गया फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस्ट। तो इसका रेशियो लेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 8/10। परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 80%, इतना सिंपल होता है। तो राइट आंसर आपके सामने है फोर्थ, कितनी देर का था, 30 सेकंड का सिर्फ। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2017 पढ़ो, कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड। इतने से आपको अंदाजा लग गया कि यार ये कनेक्शन डिसकनेक्शन वाले सवाल है। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर से वही टाइप वन सवाल है। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, यानी फाइनल एनर्जी हमें निकाल करके देनी है। तो इनिशियल एनर्जी या कुछ हमें दे रखा है डेटा नहीं, तो हमें पता करना है डिक्रीजेस बाय व्हाट फैक्टर। तो ये एक कैपेसिटर था सी का, वी से चार्ज किया, अनचार्ज वाले कैपेसिटर के ऊपर इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं, जैसा 16 में है वैसे ही ऑलमोस्ट 17 में है। तो V कॉमन का वैल्यू हो गया C1V1 बाय C2V2 यानी V/2। तो इनिशियल एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना। फाइनल एनर्जी होगी, अब इसके पास भी होगी, इसके पास भी होगी, हाफ C1 प्लस C2 यानी 2C इंटू वी स्क्वायर यानी V² / 4। तो हाफ ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल एनर्जी इज हाफ ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो राइट आंसर है डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2 यानी फर्स्ट वाला। समझ आ गया होगा, कहीं पर भी ये लग ही नहीं सकता, लग ही नहीं सकता, लगेगा कि भी गुंजाइश नहीं, लग ही नहीं सकता कि मुश्किल है। पढ़ो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग चार्ज क्यू एंड एरिया एस। तो फोर्स तो हमें पता ही है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गई। अब ये फोर्स, ठीक है ना, आइसोलेटेड है, शब्द ध्यान से सुनना, आइसोलेटेड का मतलब हो गया चार्ज किया, बैटरी भगा दी, अब चार्ज कांस्टेंट हो गया। देखिए ना, अगर बैटरी कनेक्टेड होती तो चार्ज हमारा चेंज करता, फिर ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती। तो अब आइसोलेटेड है तो ये फोर्स कांस्टेंट रहेगी, चेंज ही नहीं करेगी क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी राइट आंसर इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, आंख बंद करो, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो, टिक मारो, आगे चलो, सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट 19 का प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है, साफ पता चल रही है इसकी स्कीम, ठीक है ना। आप ये देखो 16, 17, 18, 19 चार साल लगातार हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये चेंज ही नहीं कर रहा। ये कह रहा है भाई तुम यही करके आ जाओ तो भी नीट में सिलेक्ट हो जाओ, और स्टूडेंट कह रहे हैं हम ये छोड़ के आएंगे, ठीक है ना। अब आप सोचो कितना सिंपल है यार काम। ये कह रहा है टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, दिया भी उसने आइडेंटिकल है, 17 में भी आइडेंटिकल दिया, 16 में भी आइडेंटिकल दिया, 19 में भी आइडेंटिकल दिया, तो सी ले लिया। टर्मिनल्स ऑफ ए एंड बी आर कनेक्टेड टू सी1 यूजिंग बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट, तो इसे चार्ज कर दिया, ओके। अब इसे यहां से डिस्कनेक्ट करके इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया, टू ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, कोई सवाल है? परसेंटेज लॉस इन एनर्जी पता करना, हमें पता हाफ से, वो अभी तो किया था 17th वाले में, तो हाफ जो होती है वो चली जाती है, तो 50% एनर्जी इसमें लॉस हो जाएगी, यानी राइट आंसर हो गया थर्ड वाला। कहिए कहेंगे सॉरी बड़ी जल्दी कर दिया, पूरा प्रूफ बताओ, लो भाई पूरा प्रूफ लो। तो वी कॉमन लिखा, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2, ठीक है, V/2 आ गया। फाइनल एनर्जी लिखी, फाइनल एनर्जी की वैल्यू, लॉस इन एनर्जी लिख लेते हैं, ये V कॉमन की भी हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो डेल्टा U यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, हाफ C1 C2 यानी C/2 आ गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर यानी ये V² आ गया, तो हाफ ऑफ हाफ C V² यानी आधी एनर्जी लॉस हो गई। इनिशियल कितनी थी? हाफ C V², तो परसेंटेज लॉस 50%। अब तो यार पूरा प्रूफ कर दिया भाई, अब तो ये याद हो जाना चाहिए, 3 साल लगातार एक साथ आ रहा है। नेक्स्ट नीट 2020, ये देखें क्या कहता है, ये कहता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम इज 6 μF। तो एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे रखी है 6 μF। ये कहता है डायलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस हो जाती है 30 μF। कितना कठिन सवाल है, इतना हार्ड है, हम कर ही नहीं सकते इसको। तो K की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5। बताऊँ कैसे आ गई, तो C डायलेक्ट्रिक बराबर K टाइम C, एयर हो गया, K आ गया हमारे पास 5। कहता परमिटिविटी बता दो मीडियम की, कितना हार्ड सवाल है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम K एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है ना। तो 5 × 8.85 × 10^-12 हो गया, तो रिजल्ट आ गया अब 10^-12 में, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो तकरीबन ये 40 के आसपास का रिजल्ट बनेगा।
तो एक बार पूरा ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। 25 5 40 42 और ये 8 5 40 और इधर कितना आ गया था 42 44, तो 44.25 इंटू 10 की पावर -12, इसको सही से लिख दूं मैं, ठीक है, दो बिंदी सरका दो इधर, तो 0.44 × 10⁻¹¹। अब ढूंढ लो आंसर, ये है नहीं, इन दोनों में से ये एक मिलना है, तो राइट आंसर हमारा हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। 21 पर आते हैं, मेरे ख्याल से इससे जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो अभी तक किसी भी टॉपिक के नहीं हुए होंगे, तो कैपेसिटर भाई बेहद आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना पूरे नंबर आएंगे। ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, एरिया ऑफ प्लेट इज ए, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इतना हार्ड सवाल, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, एरिया दे रखा है, सेपरेशन दे रखा है, एनर्जी बताओ। ये तो यार इतना हार्ड सवाल तो हमें आता ही नहीं। तो एनर्जी डेंसिटी यूज कर ली हमने, 1/2 ε₀ E² हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो 1/2 ε₀ E² टाइम्स वॉल्यूम। अब कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इंटू सेपरेशन। स्फेरिकल होता तो 4/3 πr³ डालते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पैरेलल प्लेट दे दिया और अगर स्फेरिकल दे दे, मॉडिफाई करता हूं मैं इसको, मान लो ये दे दिया R1 R2, कहता है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E है, समाओ कुछ इसने इस तरीके से बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E है। अब वो कहता है कि अब एनर्जी स्टोर्ड बता दो, अब क्या करेंगे आप, 1/2 ε₀ E² लगाए और इतने पोर्शन का वॉल्यूम 4/3 πr³³ - R1³ ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आंसर आ गया 1/2 ε₀ E² AD, तो राइट आंसर हो गया 1/2 ε₀ E² AD के हिसाब से थर्ड वाला। चलते हैं आगे, नीट 21 का एक और प्रॉब्लम है, साफ पता चल रहा है पॉइंट पोटेंशियल का, इसको ए डाला, इसको बी डाला, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये भाई साहब शॉर्ट सर्किट हो गए, इससे आसान क्या मिलेगा यार आपको, ठीक है ना, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब बस खाली जिसने जोड़ने में भी गलती कर दी हो या जिसको पॉइंट पोटेंशियल ही नहीं आता वो किस्मत खराब हो, ऐसा ही बोला जाएगा, ठीक है ना, जो छोड़ के ही चला गया बेचारा, कुछ भी ना पढ़ के गया हो तभी छोड़ के आएगा। दोनों पैरेलल में हो गए, पैरेलल में आंसर 2C हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तो ये 21 तक के प्रॉब्लम थे। अब आपने क्या करना है, इतने से सीख तो मिल गई कि हाँ कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 सवाल हमें दे करके जाएगा और वो छोड़ने वाले तो नहीं है। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है टिक कर आ रहा हूँ, करंट और कैपेसिटेंस के कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट के, इनको अच्छे से मन लगा करके जरूर कर लेना, क्योंकि हमें छोड़ के 6 सवाल बिल्कुल नहीं आने, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं आने जिनको हम 100% कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इनको अच्छे से तैयार कर लो। कल आपका ब्रेक रहेगा, परसों रे ऑप्टिक्स की फिर से जबरदस्त क्लास रहने वाली है, मजे आ जाएंगे, ठीक है ना, उसके अंदर, और फिर से हम उसको पूरा परफेक्ट प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक आप करंट और कैपेसिटर का टेस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो, मिलते हैं परसों रे ऑप्टिक्स के लेक्चर में, थैंक यू सो मच।